काय लाईव आहे का थांब एक सेकंड गेलंच लाईव्ह बर हेमंत कुठे होता बरं ठीक आहे ओके चलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेरी गुड यू हैव टू से दैट राइट देन द डे गो नाइस एंड देन एवरीथिंग इज गोडो गो नाइस एंड इट इज गोडो बी ऑल सेट सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ज्वाइन इन फास्ट सम रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स वेन आई एम टीचिंग अ कॉन्सेप्ट आप बीच में क्वेरी पूछोगे कॉन्सेप्ट के एंड में मैं आपको टाइम दूंगी uh, आप एक ही जगह घर पे भी टेबल और चेयर पे बैठने वाले हो यू आर नॉट स्टडिंग ऑन अ सोफा और स्लीपिंग ऑन द बेड एंड वाचिंग द लेक्चर यू मस्ट फिक्स वन प्लेस वे यू सिट एंड स्टडी एंड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर इट यस सो हि वील गो आई विल कंटिन्यू आज हम एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे स्टार्ट करेंगे कल जो था हमारा क्या था बेटा सारा इंट्रोडक्शन था ना लाइक आई टोल्ड यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स ठीक है एवरीबडी सेटल डाउन Sit straight, spine cord straight, eye contact with your teacher Whatever I am going to teach you, we are going to understand it very very thoroughly I am enjoying this process, I am enjoying the subject and I am understanding everything When you sit here with a positive thing, then you will automatically have a different approach for studies hai? Yes Same goes for all the live streaming students So pay attention they go नहीं ना ऐसा नहीं लगा सकते क्यू दे मस्ट गेट पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट गिव पावर टू द गवर्नमेंट टू लेवी द टैक्सेस फिर कौन कौन सा टैक्स लगाएगा फिर झगड़ा हो जाएगा केजरीवाल जी बोलेंगे नहीं नहीं मेरा दिल्ली इज माय टेरिटरी ना दिल्ली में मुझे इनकम टैक्स लगाना है मोदी जी आप इंडिया में लगाओ मैं दिल्ली में लगाता हूँ ऐसा चलेगा क्या yes. नहीं सो so, आपको टेरिटरी भी डिफाइन किया है प्लस आप कौन सा टैक्स लगाओगे ये भी डिफाइन किया है हर स्टेट लॉ अपने स्टेट के लिए बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ किसके लिए बनाएगी होल ऑफ इंडिया इज दिस टेरिटरी फिक्स ये मैम नॉट ओनली द टेरिटरी इज फिक्स इवन विच लॉ दे आर अलाउड टू मेक दैट इज ऑल्सो फिक्स इनकम टैक्स इन इंडिया इज सेम थ्रू आउट द कंट्री यू अर्न इनकम एनी वेयर यही रूल अप्लाई होगा यही एक्ट अप्लाई होगा यही टैक्स के रेट अप्लाई होंगे जो हम पढ़ने वाले बट अगर हम वैट की बात करें वैट कौन लेवी करता है स्टेट गवर्नमेंट वैट का फुल फॉर्म क्या है वैल्यू एडेड टैक्स हु इज गोट टू लेवी दिस स्टेट गवर्नमेंट तो बेटा जब स्टेट गवर्नमेंट इज गोन लेपन स्टेट गवर्नमेंट इज अपने हिसाब से टैक्स पेट्रोल पे लेवी होता है वो अलग अलग है और क्योंकि वो अलग अलग है पेट्रोल के प्राइजेस भी अलग अलग है माने कुछ टैक्सेस कल के लेक्चर का कंक्लूजन लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट सम आर लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मैं आपको बोलू जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन उसके मार्क्स का वेटेज आपको बोला जाए तो वहाँ पे सिर्फ दो या तीन ही पॉइंट्स है जो मैं आपको स्टार मार्क करके देने वाली हूँ कि बॉस ये एग्जाम में आने वाले नो बडी इज गुंड बाय स्टेट गवर्नमेंट विच टैक्स इज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट बॉस ऑल दिस इज ओनली फॉर आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज एज अ सी एस स्टूडेंट यू शुड नो कि कल जाके गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लगा सकता है क्या नहीं बॉस हम वही टैक्स लगा सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है और जिसके हमारे पास उसका पावर है उसका ही हम लॉ बना सकते हैं आपको पता होना चाहिए क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है ओ माई गॉड नॉट एट ऑल मेंशन द लिस्ट एंड मेंशन द टैक्स एंड द आर्टिकल नंबर आई वोट नो टीच यू ऑल ऑफ दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कौन से आर्टिकल नंबर सी आई टेल यू वन थिंग कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर होते हैं एक्ट में सेक्शन होते हैं हमारे बुक्स में चैप्टर नंबर होते हैं जैसे हम डिवाइड करते हैं ना तो जैसे किसी भी आप मेरे नोट्स खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको इंडेक्स में चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री आप एक्ट खोलोगे तो आपको क्या मिलेंगे सेक्शन में क्या होते हैं आर्टिकल्स हर जगह का अपना एक तरीका होता है सो दे इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं एक्ट में होने वाले हैं और हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर होते हैं एक डिवीजन है सो दैट वी नो अच्छे से पढ़ाई कर सके चैप्टर वन हो गया चैप्टर टू हो गया तो वैसे ही सेक्शंस होते हैं ठीक है अब आपको क्या समझना है तो मैम ये समझ लिया कोई एक्ट Uh, हर कोई नहीं बना सकता कोई भी uh, ले भी नहीं कर सकता टैक्स सो एक लिस्ट दी गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट है अब आपको अच्छे से समझना है पहले ये चैप्टर आपको समझना है इस चैप्टर में से सी आई बी टीचिंग यू इन व्हाट वेज फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड देन एग्जाम की भी तैयारी यहीं से करनी है अपने को है कि नहीं तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यार ये जो चीजें है ये एग्जाम में पूछे जाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी सो वी आर प्रिपेयर अकॉर्डिंगली ठीक है ना तो यहां पे अभी हमने को, अपने को क्या समझना है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दी गई है बेटा थ्री लिस्ट अदे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या दी गई है थ्री लिस्ट व्हाट आर दिस थ्री लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कॉन्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें कवर होगी उस पर टैक्स कौन लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा क्या यहाँ पे सिर्फ टैक्सीज कवर होते हैं नहीं यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कवर होती है ना इस लिस्ट के अंदर आता है एंट्री नंबर एंट्री नंबर वन टू थ्री फोर ऐसी मतलब वन कुछ डिफेंस होगा टू पे कुछ और होगा थ्री ये सीरियल नंबर है बेसिकली तो इस यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर एटी टू दैट इनकम टैक्स कम्स अंडर द लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम अदर देन टैक्स ऑन एग्री इनकम ना इनकम टैक्स कौन सा एंट्री है ये एंट्री नंबर 82 ये 82 पे एक हाथ बार एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो आएगा वो भी आईसीआई को लगा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो मतलब इनकम टैक्स किसकी लिस्ट में आता है यूनियन लिस्ट इनकम टैक्स किसकी लिस्ट में आता है यूनियन लिस्ट बेटा वो यूनियन की लिस्ट में आता है और ये जो यूनियन की लिस्ट में आएगा इसका एंट्री नंबर क्या है एटी एंड इसका एंट्री नंबर इज एटी टू इज यस दिस इज टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एग्रीकल्चर पे हम टैक्स नहीं लगाते एग्रीकल्चर पे हम टैक्स नहीं लगाते एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है एग्जम एक्ट ओ माई गॉड वो टैक्स से छूट मिल गई है आपको आईसीआई एग्जाम्शन देता है क्या yes, कब देता है एग्जाम्शन क्रैकिंग प्रॉब्लम हरीश आई थिंक इट्स संचिता प्रॉब्लम इज देयर ऑन यूट्यूब हे मतलब बोलो एक मिनट शिवराज तो था 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 था। का ये तो मादित कर तू काड़त नहीं अब चेक कर लो बेटा नो मैम नहीं बोल रहे नो प्रॉब्लम श्योर जस्ट चेक राइट नाउ ठीक है अब सुन के लेना एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एक्सम फ्रॉम टैक्स नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ एग्जम्पन एग्जाम्शन क्या होता है डी आई गिव यू समन क्या अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके अगर सिक्सटी मार्क्स लेके आए तो आपको टैक्स का पेपर या टैक्स में आप एग्जाम्शन लेके आए बाकी सब्जेक्ट में आप क्लियर नहीं हुए तो फिर से आपको क्या करना है टैक्स का पेपर फिर से नहीं देना है यू आर एग्जाम पेपर आपको छूट मिल गई है वैसे ही एग्जम्शन का मतलब इनकम टैक्स में ये होगा यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्स

बिकॉज इंट्रोडक्शन इज जस्ट गिविंग यू अ बेस कि बेस्टा इंडिया में टैक्स कैसे लगाते हैं कौन सा टैक्स कौन लगाता है आपको एक आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन एक मुंह दिखाई हो रही है कॉन्सेप्ट की एक्चुअल टीचिंग तो अभी चैप्टर वाइज स्टार्ट होने वाला है ठीक है क्या हाँ अब देखते हैं एंट्री ओके तो मैम अभी हेडलाइन लिखेंगे आज पहला हेडलाइन लिखेंगे टॉप रेड मार्जिन तो पहला हेडलाइन ये होगा सेक्शन टेन ऑफ इनकम टैक्स उंड अबाउट एक्जम्ट इनकम सेक्शन टेन ऑफ इनकम टैक्स टॉक्स अबाउट एक्सम्ट इनकम ठीक है सेक्शन टेन क्या है इनकम टैक्स का किसके बारे में बात करता है एग्जाम इनकम ब्रैकेट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जम्ट इनकम एक्समड इनकम मीन्स मीन्स इनकम ऑन विच एक्समड इनकम मीन्स इनकम ऑन विच नो टैक्स पेएबल जब त इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल आई ऑल अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी यस ये क्या था बेटा आपका हेडलाइन टॉप रेड मार्जिन में होना चाहिए ओ किधर होना चाहिए टॉप रेड मार्जिन ऊपर हाँ क्यों क्योंकि मैं हेडलाइंस के ऊपर टेस्ट देने वाली हूँ कभी आपको बोलूँगी हेडलाइंस आपको क्या करना है पढ़ के आना है तो हेडलाइंस पढ़ के आना है तो आपका क्या होने वाला है टेस्ट होगा तो मैं बोलूंगी आप चैप्टर वन का हेडलाइंस का टेस्ट करेंगे चैप्टर टू के हेडलाइंस का टेस्ट करेंगे तो आपको ये हेडलाइंस लर्न करनी है ठीक है ना यस yes? ठीक है अब सुनते लिस्ट पे आएंगे ठीक है अब तीन लिस्ट है क्या तीन लिस्ट के नाम है यूनियन कर लिस्ट सेंट्रल लिस्ट कौन हाँ, यूनियन स्टेट एंड कॉन्कर, करेक्ट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस लिस्ट इज गिवन बाय आर्टिकल 246, कौन सा आर्टिकल है 246, ठीक है अब पहला क्या है एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 क्या बोलता है इनकम टैक्स बट अदर देन इनकम ऑन एग्रीकल्चर सिर्फ ये एंट्री नंबर लर्न करना है बाकी एंट्री नंबर इतना आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है तो इनकम टैक्स आ गया फर्स्ट सेकंड, और कौन से कौन से टैक्सेस हमने देखा जो यूनियन लिस्ट लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है नहीं यहाँ जीएसटी किसी भी लिस्ट में नहीं आता कस्टम्स ड्यूटी आई टेल यू अबाउट दैट जीएसटी के लिए मैं नोट लिख के दूंगी एक्साइज ड्यूटी एंड सीएसटी वॉट इज सीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स करेक्ट है आई यू वेडिंग दिस एवरीबडी नी लिस्ट जीएसटी दोनों लगा जीएसटी पहले था ही नहीं इसलिए लिस्ट में था ही नहीं तो फिर मैं बताती हूँ जीएसटी को कैसे इंट्रोड्यूस किया बताती हूँ एक दो मिनट में इसके नीचे ही नोट लिखेंगे ठीक है पहले ये लिस्ट क्लियर हो गया क्या कल एटलीस्ट इन टैक्सेस के नाम तो पता चल गया अपने को रफ में यार इनकम टैक्स क्या इट्स टैक्स ऑन इनकम एक्साइज ड्यूटी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल सेल्स टैक्स इज सेल्स टैक्स मतलब गुड्स बेचने पे टैक्स लगेगा कहां से कहा गुड्स बेच रहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंटर स्टेट से करेक्ट हाँ ठीक है अब स्टेट की लिस्ट पे आते हैं स्टेट की लिस्ट में मैम हमको तो एक ही टैक्स पता है वैट करेक्ट राइट नाउ यू नो ओनली वैट एंड वन मोर यू नो ट इज वॉट बेटा वैट इज सेल्स टैक्स कहा कब लगता है स्टेट कहाँ लगता है सेल विद इन द स्टेट बेटा द स्टेट को क्या बोलते हैं इंट्रास्टेट फिर से रिपीट करो जितना क्लास में आप रिपीट करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लाइफ स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स इवन इफ आर सिटिंग एट होम यू हैरी यू कंट अदरवाइज यू हैव टू रिपीट इट ठीक है ये yes. तो टेलमी जब आई सेल गुड्स विद इन द स्टेट उसको क्या बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर इट इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सेलिंग वैट इज स्टेट लिस्ट में आता है वैट का फुल फॉर्म क्या है वैल्यू एडेड टैक्स बट इट इज नथिंग बट अ सेल्स टैक्स दूसरा कौन सा ड्यूटी आपको पता है या एक्साइज कौन सा है एक्साइज बट किस पे लगता है ये एक्साइज यस एक्साइज ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन करेक्ट एनीथिंग एल्स ओके नाउ आई टेल यू दिस टू थिंग्स नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड देर इज स्टैंप ड्यूटी ठीक है सैम ड्यूटी के बारे में किसी को कुछ पता है लैंड रजिस्ट्रेशन पे लगता है करेक्ट और फ्लैट्स पे लगता है मैम हमको इतना नहीं पता कोई बात नहीं मैं बता रही हूं अभी आपको कोई ये नहीं मैं जनरली आपको पूछ रही हूं कि आपको क्या पता है फिर मैं बताऊंगी आपको ठीक है अब सुनना क्या होता है टू मिनट जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड टू वॉट आई एम नाउ लिसन चमेली जो है शी बाइज अ हाउस प्रॉपर्टी वॉट शी डू she purchases house property okay on purchasing of house property she will have to pay stamp duty on purchasing of house property she will have to pay stamp duty mane stamp duty is applicable on immovable property stamp duty padna hamara mudda nahi hai मैं सिर्फ बता रही हूँ कि स्टैम्प ड्यूटी कौन कलेक्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि मैं आपको लिस्ट बता रही हु. हमारा मुद्दा या इनकम टैक्स पढ़ने का ये जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन हो रहा है यू शुड नो दिस टाइप ऑफ टैक्सेस आर देयर नाउ देर नाचे क्या करेगी शी विल बाय अ हाउस प्रॉपर्टी व्हेन शी विल बाय अ हाउस प्रॉपर्टी शी विल पे ओ मतलब ना हु विल कलेक्ट दिस स्टैंप ड्यूटी फ्रॉम हर स्टेट गवर्नमेंट तो रेट कौन डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट तो मैम हर स्टेट का स्टैंप ड्यूटी अलग अलग हो सकता है पॉसिबल पॉसिबल यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट आपके रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कैन भी डिफरेंट मैम कब स्टैम्प ड्यूटी लगता है स्टैंप ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन बाइंग ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी रिपीट करो मेरे साथ स्टैम्प ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन बाइंग ऑफ फिर से बोलना स्टैंप ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन बाइंग ऑफ बरोबर देखो वॉट इज इमूबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग हर स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी एक्ट स्टैंप एक्ट बनाएगा हर स्टेट का एक एक एक्ट होगा जो स्टैंप ड्यूटी के बारे में बात करेगा क्या हम यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी एक्ट पढ़ने को बैठे क्या नहीं हमारा मुद्दा क्या है इनकम टैक्स बहुत स्टैम्प ड्यूटी भी होता है जनरली जो एडवोकेट्स होते हैं जो घर खरीदने और परचेज के एग्रीमेंट्स बनाते हैं दे हैव टू स्टडी द स्टैम्प ड्यूटी एक्ट इट इज देआर एक्सपर्टीज वेथ दे स्टडी इट इन डिटेल बट वी आर अवेयर ऑफ इट कि ठीक है मोएबल प्रॉपर्टी खरीदने पे और खरीदने पे मुझे क्या देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा दिस स्टैम्प ड्यूटी इज लिविड बाय स्टेट गवर्नमेंट अब चमेली लिव्स इन दिस हाउस फॉर नेक्स्ट फाइव इयर्स

यू नो लोकल टैक्सेस बोला जाता है म्यूनिसिपल टैक्सेस बोला जाता है क्योंकि लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे पूना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ठीक है जैसे ये कमर्शियल प्लेस है यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स थोड़ा सा हायर होगा अगर आपके घर का प्रॉपर्टी टैक्स देखेंगे तो वो थोड़ा कम होगा रेसिडेंशियल के रेट्स कम होते हैं कमर्शियल के रेट्स ज्यादा होते हैं ये कौन लेवी करता है लोकल अथॉरिटी See, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है तो अभी सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी टैक्स क्वेश्चन में आ जाएगा सो मैम वॉट इज प्रॉपर्टी टैक्स यू शुड बी जस्ट अवेयर ऑफ इट लोकल अथॉरिटी आपको क्या काम देती है रास्ते गार्बेज क्लीनिंग सीवरेज ये सब काम देती है उनको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा

जनरली बायर बट अगेन इनकम टैक्स कोई भी एक्ट बोलेगा यार तुम नेगोशिएट खुद का कर लो तुम्हारे में अच्छे नेगोशिएशन स्किल्स है तो तुम बोल सकते नहीं नहीं मैंने स्टैम्प ड्यूटी देने वाला तुम पे करो इट्स नेगोशिएशन, व्हाट प्राइस आई वांट टू सेल समथिंग इज नथिंग टू डू विथ इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स या स्टैंप ड्यूटी एक्ट क्या बोलेगा हमको इस प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन पे स्टैम्प ड्यूटी चाहिए जनरल ट्रेंड है स्टैम्प ड्यूटी बट आई कैन चेंज I can always give a discount. I can say, okay, you don't pay it, I'll pay it. Something like that. It can happen. Act ये नहीं बोलता कि आपको घर कितने में बेचना है Act ये नहीं बोलता कि आपने फलाना चीज नहीं करनी चाहिए Act सिर्फ लॉ बनाता है टैक्स से रिलेटेड आपको कोई चीज कम प्राइस में बेचनी है आपको डिस्काउंट देना है आपका दोस्त आ गया या आज वैलेंटाइंस डे है तो आपको किसी को डिस्काउंट देना है किसी को गिफ्ट देना है दुकान से उठा के कुछ दे के आना है तो दैट्स योर चॉइस एक्ट उसके लिए नहीं है एक्ट बोलता है कि हमें हमारा क्या चाहिए टैक्स चाहिए ठीक है यस yes. तो नो टैक्स आइटम इन कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे लिख के लो तो फिर मैम जीएसटी का क्या मैं बताती हूं क्या हुआ यू डिट राइट विथ मी और क्या तुमने मेरे साथ लिखा है कि नहीं लिखा है हाँ क्या यस yes.

थैंक यू ओ माई गॉड ठीक है थैंक यू माय वैलेंटाइन आइव गॉड वॉट चॉकलेट गिवन मी ओके तो ये हो गया क्या आप अपने लिख हो गया ना yes, हाँ सो so, नोट लिखते हैं मैम देन व्हाट अबाउट जीएसटी जीएसटी बहुत बार गलत बच्चों को नोशन रहता है कि मैम जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है बच्चों को क्या लगता है जीएसटी किधर आता है कॉन्करेंट लिस्ट में बॉस जीएसटी डजेंट कम इन कॉन्करेंट लिस्ट आई नो जीएसटी लेवी दोनों कर सकते हैं बट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस थ्रू अ न्यू एंट्री इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन फैक्ट

लिस्ट में ऐड कर देगा ऐसा सवाल क्यों आया अब सुनना क्या हो रहा है यहां पे? देखो मैम अगर जीएसटी विद इन द स्टेट सेल करेंगे तो कौन लेवी करेगा बोथ बोथ विल इट वन स्टेट से अनादर स्टेट करेंगे तो क्या लगेगा आई आईजीएसटी कौन लेवी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो जब सेल विद इन द स्टेट हो रहा है दोनों लेवी कर रहे हैं तो क्या हमने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड करना है तो बोले नहीं नहीं कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे जीएसटी खुद में इतना इंपॉर्टेंट है किसी लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे उसके लिए खास एंट्री आर्टिकल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सो आर्टिकल 246 ए वाज इंट्रोड्यूस विद सेड दैट जीएसटी विल बी लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज क्या बोला आर्टिकल कौन सा टू ए तो बिल्कुल 246 में तीन लिस्ट दी गई है बिल्कुल उसके नीचे एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया और उसका नंबर क्या दिया 246 ए और वहां बोला गया बॉस जीएसटी विल बी अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी विल बी अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेस न्यू आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए विच दैट जीएसटी विल बी दी ऑन गुड्स एंड लिस्ट में है क्या नहीं में है क्या नहीं यूनियन लिस्ट में है क्या नहीं नहीं है समझ में आ रहा क्या ये किसी भी लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे आपकी जो लिस्ट लिखी हुई है उसके नीचे हम लोग नोट कर लेंगे आपने लिखा 246 लिखा आपने यहाँ पे yes. हाँ so, यहाँ पे एक नोट लिखो आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए हर्ष जस्ट वेट होल्ड ऑन हर्ष रुक् जा आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए से जीएसटी विल बी लेविड आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए सेज वॉट जीएसटी विल बी लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेस आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए सेजटी विल बी लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेस तो कौन सा टैक्स किस लिस्ट में आ रहा है ये क्लियर हो गया क्या अब सुनना एक मिनट सिर्फ एक और चीज एडिशनल बताती हूँ एक और चीज एडिशनल बताती हूँ आरम बैच वाले बच्चे भी ये नोट करेंगे अब सुनना देर इज दिस फोर्थ पॉइंट हेयर विच से टैक्स ऑन एग्री इनकम टैक्स ऑन एग्री इनकम ये स्टेट की लिस्ट में टैक्स ऑन एग्री इनकम लिखो स्टेट की लिस्ट में लिखना आरम वाले बच्चे भी लिख के लेंगे टैक्स ऑन एग्री इनकम टैक्स ऑन व्हाट इनकम एग्री इनकम कौन से लिस्ट में लिखा हाँ किसी भी स्टेट में आज इतना दम नहीं है कि उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाना है गवर्नमेंट ने जब डिसाइड किया तब बोला इनकम के ऊपर टैक्स तुम ले लो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्री के ऊपर कभी भी टैक्स लगाना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा डे वन से लेके एग्रीकल्चरल मतलब फार्मर्स फार्मर्स एक वोटिंग बैंक है फार्मर्स एक इलेक्शन का मुद्दा है हमने डे वन से बोला है कि हम फार्मर और एग्री पे टैक्स नहीं लगाएंगे एग्री इनकम क्या होगा एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा एग्री इनकम क्या होगा एग्जम फ्रॉम टैक्स होगा बहुत हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे लेकिन अगर टैक्स लगाना भी होगा तो उसका पावर किसके पास है स्टेट के पास इट कम्स इन द विच लिस्ट स्टेट लिस्ट स्टेट के लिस्ट में आएगा टैक्स ऑन एग्री इनकम आज तक किसी भी स्टेट ने टैक्स नहीं लगाया है किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल एग्जम्प्ट है टैक्स, income. Income है, टैक्स आ, उसके ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं देना है सूनर और लेटर इट कैन हैपन सी इट्स नॉट फेयर आई टेल यू वन थिंग कैसा होता है कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना मैम कोई कोई फार्मर्स बहुत अमीर होते एक एक करोड़ कमाया दो करोड़ कमाया कोई टैक्स नहीं देंगे नहीं देंगे एब्सल्यूटली कोई लिमिट नहीं है यार आपको एग्जम्पन देना है तो कुछ लिमिट दे दो कितने दिन तक आप एग्जम्शन रखोगे सबसे ज्यादा टैक्स देता बेचारा सैलरीड पर्सन सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है सैलरीड पर्सन तो कोई चांस नहीं है कोई स्कोप नहीं है कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है पूरे पैसे व्हाइट में आएंगे बेचारे को पूरा टैक्स देना पड़ेगा कभी कभी तो एम्प्लॉयर उसका पूरा टैक्स कट कर करके ही उसको सैलरी देता है कोई स्कोप नहीं है और ये फार्मर्स देर पुअर फार्मर्स एर आर रिच फार्मर्स यार कुछ तो लिमिट रखो कि चलो एक पचास लाख तक टैक्स नहीं लगेगा एक सार तक नहीं लगेगा लेकिन जो उसके ऊपर कमा रहे उनसे तो टैक्स लो वेन विल इट है टैक्स लगाएंगे ऑपोजिशन पार्टी जो है वो तो जो रूलिंग पार्टी का बैंड um, बजा देगा एब्सल्यूटली अमेंडमेंट्स इन पार्लियामेंट तालियों के लिए होता है और कुछ चेंजेस पार्लियामेंट में आपके बैंड बजा सकता है ये कौन करेगा गो एंड बेल द कैट हु डू इट एंड वेन इट विल डू बट इट इज डेफिनेटली गोइन टू हैप एन गवर्नमेंट के खर्चे जिस तरह से बढ़ रहे बॉस हर एक चीज पे टैक्स है इलीगल इनकम पे टैक्स है लॉटरी पे जीतने पे टैक्स है केबीसी पे जीतने पे टैक्स है हर एक चीज पर टैक्स है बचा क्या है गवर्नमेंट पे यस, yes, जैसे खर्चे बढ़ते जा रहे बॉस हमें टैक्स तो इंक्रीज चाहिए ना कमाई तो चाहिए ना कभी ना कभी हम देखेंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर बट ये कब होगा इज जस्ट द वेट एंड वॉच ठीक है तो ये क्लियर हो गया चलो इसके ऊपर क्या आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा नो यू में अगर किसी को बहुत ही ऐसे तुम पे लगा कि यार एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कोई एग्जामिनर बोलता है जाने तो उसको लगा कि यार बेचारा ये कितना बच्चा पढ़ता है इंटर में थोड़ा सा ईजी एक क्वेश्चन डाल देंगे तो शायद आया तो आएगा जैसे कि ये जो तीन लिस्ट है आर्टिकल 246 में शेड्यूल सेवन शेड्यूल्स होते हैं अलग अलग तो ये शेड्यूल सेवन है शेड्यूल्स क्या होते हैं जैसे चैप्टर्स होते हैं डिविजन होते हैं आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स में सात आठ शेड्यूल है शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री तो ये कौन सा शेड्यूल है सेवन शेड्यूल ऑफ़ आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स सवाई लाल जोशी टैक्स ऑन नार्कोटिक्स कौन लेगा ओपीएम ओपीएम हेम्प नार्कोटिक्स जस्ट लाइक एल्कोहल एंड लिकर इट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट ओनली बट ये अभी नहीं बताया मैंने आपको क्योंकि आगे हम जीएसटी जब पढ़ते बहुत डिटेल में कवर हो जाता है तो जस्ट लाल जोशी का आ, क्वेरी है इसलिए बता रही हूं नार्कोटिक्स हेम्प ये क्या होता है नार्कोटिक्स हेम्प ओपीएम ड्रग्स बनता है इससे ये बहुत डेंजरस है सही यूज किया तो फार्मा बुलाएंगे सही यूज किया तो फार्मा मिस यूज किया तो ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स के लिए यूज होता है बट एक्सेस यूज किया तो इट विल बिकम ड्रग्स सो इट्स वेरी डेंजरस इट्स ऑन अ बॉर्डर लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट से इस पर हम क्लोजली वॉच नहीं कर पाएंगे इस पे वॉच किसने करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ने इसलिए इसको किसके लिस्ट में डाल दिया है स्टेट जैसे लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज इन द स्टेट लिस्ट वैसे ही ओपीएम क्या नाम जरा देखो मैम क्या पढ़ा रही है ओपीएम हेम्प नारकोटिक्स इसे क्या बनाया जाता है ड्रग्स Okay, not the good drugs. I'm not talking about pharma and drugs. I'm talking about the bad drugs. So drugs, say drugs, bante, hai, narcotic, hemp, or opium Say All this is also a subject matter of state government. This is also a subject matter of state government. Okay? Now, ma'am, whether house is on rent or we own it, we have to pay property tax. No. Jiska ghar hai wo property tax pay karega Who will pay the property tax? मेरे पास घर ही नहीं है अगर घर आनंद सर के पास है तो आनंद सर के घर का टैक्स मैं पे करेगी क्या क्या है ये मैं नहीं पे करेगी ना जिसका घर है वो टैक्स पे करेगा बॉस so, आनंद सर ओज हाउस आनंद सर विल पे टैक्स ऑन इट वाई विल आई पे प्रॉपर्टी टैक्स ऑन इट डू यू अंडरस्टैंड दिस पक्का ओके तो ये आर्टिकल और ये सब समझ में आ गया क्या पक्का हाँ, अब मैं आपको बीच में लगेगा तो आज बीच बीच में कुछ दिखाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे दिखता है इनकम टैक्स एक्ट कैसे दिखता है ऑन द स्क्रीन आई शो यू टूडे सो वील जस्ट टाइप जैसे कल मैंने इनकम टैक्स की साइट पर लॉग किया था फिर मैं बोलूंगी आप भी लॉग इन करो इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन जहाँ से मैंने आपको क्या दिखाया था कल कितने आई फाइल हुए कितने लोग रजिस्टर्ड है यू शुड नो ऑल दीज वेबसाइट्स नो सो आई टेल यू टूडे वील लॉग इन एंड वील सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ठीक है बट बिफोर दैट लेट मी टीच अ लिटिल बिट पार्ट अब बात करेंगे इनकम टैक्स की अब किसकी बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट अब देखो मैं क्या यहां पर लिखने वाली हूं क्या लिखा मैंने 1961। बरोबर? वन बराबर फर्स्ट इट्स अ टैक्स ऑन इनकम किस पे टैक्स लगने वाला है टैक्स ऑन इनकम बॉस so हम इनकम पे अभी मत ये करो गाना सुनते सुनते बाद में आप लिख के लेना थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड इट एंड देन एक विल लिसन टू सम सॉन्ग एंड वाइल लिसनिंग विल नोट डाउन समथिंग ठीक है यस yes. चलो इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन अभी ऑलरेडी तो बॉस इनकम टैक्स इज वॉट यार इट इज नथिंग बट टैक्स ऑन इनकम तो मैं इनकम इस शब्द पे बहुत फोकस करने वाली हूं और मेरा आगे का पूरा सिलेबस किस पे बेस्ड होने वाला है इनकम yeah. के ऊपर तो इनकम आपने कमाया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सो इट इज टैक्स ऑन इनकम वॉट इज द वर्ड नाउ टैक्स टैक्स वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड

सो टैक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्स सो इट मीन्स रेट ऑफ टैक्स वॉट डज इट मीन रेट ऑफ टैक्स एक हर्ष का क्वेश्चन लेते हैं यार बहुत बार वो टाइप कर रहा है. हर्ष का सवाल ये है तुम लोग भी उसको हेल्प कर सकते हर्ष ये पूछ रहा है मैम इफ आई हैव पेड स्टैम्प ड्यूटी डू आई हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे किया है क्या मुझे इनकम टैक्स पे करना चाहिए घर पे अलग बात है ना दोनों हर्ष को बताओ तुम लोग हर्ष को हेल्प करो हर्ष स्टैम्प ड्यूटी कब पे करेगा वो प्रॉपर्टी परचेस करेगा मैंने घर एक बार आज परचेस कर लिया तो आई विल पे स्टैम्प ड्यूटी ओनली वंस फिर इनकम टैक्स कब अगर मैंने ये घर रेंट पे दिया होगा तो अगर मैंने ये घर रेंट पे दिया अगर तुमने इनकम कमाया तो तुमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर तुमने इनकम कमाया तो तुमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा मैम हर साल देना पड़ेगा तुमको हर साल पैसे आ रहे हैं ना हर साल रेंट मिल रहे है हर साल रेंट बैंक में जमा हो रहे तो हर साल टैक्स देना पड़ेगा हाँ के नहीं टैक्स ऑन इनकम दो इन डॉन्ट पेव टू पे पे स्टैंप ड्यूटी उसका और इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है जेपता है क्या हर्ष गिव मी अ थम्स अप नाउके दिस कमिंग बैक हिस्स अब सुनो इनकम टैक्स कितना पुराना है <laughs> ये तो एक्ट है क्या उससे पहले भी टैक्स लगाया जाता था क्या यस yes, राजाओं के जमाने से टैक्स लगाया जाता है कब से टैक्स लगाया जा, जा रहा है राजाओं के जमाने से टैक्स लगाया जा रहा है राजाओं के जमाने से टैक्स है अब क्या तभी राजा लोग जो टैक्स लेते थे उनको मनी फॉर्म में नहीं लेते थे, थे। कॉइन्स में लेंगे या फार्मर्स को बोलेंगे जो भी तुम्हारा क्रॉप है उसका वन थर्ड मुझे दे दो या काइन में भी लेते थे सो so, टैक्स होता था क्या टैक्स yes. हमेशा से होता था ओके okay. उसके बाद सबसे पहले प्रॉपर लीगल फॉर्म में एक्ट किसने बनाया ब्रिटिशर्स ने बनाया। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट इंडियन रिवोल्ट हुआ था आपने हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ध्यान दिया कि नहीं दिया है क्या ऑप्शन में छोड़ दिया है और हिस्ट्री तो हमको याद भी नहीं अभी मैम 1857 में यू सीन मंगल पांडे और यू नो अबाउट रानी लक्ष्मी बाई सो मनी करने का जो मूवी थी या रानी लक्ष्मी बाई या मंगल पांडे क्या हुआ था इंडिया में 1857 में अलग अलग जगहों पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था 1857 में अलग अलग ये यूनाइटेड नहीं था अपना रिवोल्ट नहीं तो तभी शायद हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता हमने सिर्फ रिवोल्ट किया अलग अलग जगहों पे ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस करने की कोशिश करी राइट तो ब्रिटिशर्स सप्रेस करते गए करते गए और उनके सारे पैसे खर्च हो गए द क्वीन गॉट वेरी अपसेट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पता है ब्रिटिशर्स इंडिया पहले क्यों आए थे ट्रेडिंग के लिए दे केम हियर दे सेड नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए इंडिया से हमको तो सिर्फ यहां बिजनेस करना है ट्रेडिंग करना है राजाओं की परमिशन ले ली फिर आ गए फिर हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लग गए दे केम हियर विद हार्डली दे डेंट हैव एनी आर्मी दे डेंट हैव एनी सोल्जर्स

तिजोरी खाली हो गई फिर द क्वीन गॉट वेरी वेरी अपसेट वॉट इज दिस सेंट यू दूट टू अर्न मनी एंड यू स्पेंड द मनी नाउ कलेक्ट इट आई वॉन्ट मनी बैक सो एटीन सिक्सटी इनकम टैक्स स्टार्ट किया लेवी करना बकायदा इन अ लीगल फॉर्म एक्ट बना के 1860 में पहला इनकम टैक्स एक्ट बना उसके बाद उसको करेक्ट करते-करते फिर हमने वही अडॉप्ट किया 1922 में बना 1922 के बाद अगला एक्ट कब बना 1961 में सो द एक्ट दैट वी आर स्टडीिंग राइट नाउ इज द 1961 वाला एक्ट ओह माय गॉड 1961 वाला एक्ट अभी पढ़ेंगे क्या मैम इतना पुराना एक्ट पढ़ोगे क्या हमको तो पहले हिस्ट्री बोलो 1857 में क्या हुआ फिर ब्रिटिशर्स के सारे पैसे खत्म फिर उन्होंने रिकवरी के लिए एक्ट बनाया 1860 में, फिर उसके बाद हमने उसको और थोड़ा मॉडिफाई किया और उसको बोला 1922 में इनकम टैक्स एक्ट आया उसको और मॉडिफाई किया और 1961 में द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अभी हम पढ़ रहे बॉस दिस एक्ट इज अमेंडेड

Changes. जैसे आज मैं सिखा रही हूँ एग्री इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स बोलना मेरे साथ एग्री इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स कल जाके किसी गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं नहीं इस पर टैक्स लगेगा तो ये क्या हो गया अमेंडमेंट अमेंडमेंट मतलब चेंज इज एट ओके यस सो वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स एक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी इन एवरी फर्स्ट फेब्रुवरी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री क्या करती है शी कम्स अप विद इज अ बजट अच्छा आपको यहां आना था घर आप घर से दूर यहां पे आ गए क्या आप घर पे, पे, पे पेरेंट्स के साथ बैठ के आपने बजट बनाया कि मुझे वहां पे कितना खर्चा लगेगा कुछ बच्चे हॉस्टल में अलग रह रहे यहाँ अलग हॉस्टल में रह रहे उनको खाने का खर्चा लगने वाला है बाकी के खर्चे लॉन्ड्री एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट अब आपको यहाँ आने के बाद पता चलेगा नहीं मम्मा या पापा को आप बोलोगे नहीं इससे ज्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये यह खर्चा हमने एस्टिमेट नहीं किया था क्या होता है वॉट इज अ बजट वेन यू आर प्लानिंग और संबड़ी वो इज प्लानिंग टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे लेकिन पहले तुम क्या बनाएंगे कि गिफ्ट कितने का है फिर ये ऐसा चॉकलेट देने का है क्या ऐसा नहीं देंगे तुम अलग चॉकलेट देंगे तो चॉकलेट देने का है क्या गिफ्ट देने का है क्या तो यू विल मेक अ बजट सो यू विल मेक अ बजट फर्स्ट देन अच्छा टोटल खर्चा कितना शिवराज भी खुश हो रहा है तुझापन प्लान है <laughs> नहीं अच्छा तो ये जो बजट बनेगा तो आप पहले बजट बनाओगे फिर बजट के बाद अब क्या आएगा अब पहले खर्चे खर्चे के बाद आप क्या सोचोगे अरे इनकम कितना है कि अभी पैसे कितने हैं हमारे पास तुम्हारा तो फिलहाल इनकम नहीं है वॉट आर यू गेटिंग पॉकेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स राइट सो यू विल अ पॉकेट मनी सो यू अरे एक्सपेंसिस कितना खर्चा आएगा वैसे जनरली बोलो ना वैलेंटाइन डे पे कितना खर्चा आएगा छ हजार <laughs> <laughs> क्या बजट है तुम्हारा हाँ पांच हजार में देख वो पांच हजार में उसका काम बन रहा है तेरा छह हजार में कैसे हो रहा है क्या है सो यू आर गिफ्टिंग वो किस चीज की बात कर रहे हैं मुझे नहीं सुनना तुमसे अब सुनना so here in any budget what do you do first you list down the expenses and then you list down the income, income. and then if there is a shortfall then you have to go and again ask your parents or you will request your friends here in this month you give me some ugly my name pocket money say i will give you back that money right so you have to do either you will borrow or you will have your pocket money सेम वे एवरी कंट्री हैज टू डिसाइड कि हम अगले साल में क्या खर्चा करने वाले हैं। वी शुड स्पेंड अ लॉट ऑन टूरिज्म दिस इज वॉट मोदी जी सेन्टिफाई फिफ्टी टूरिज्म टूरिस्ट प्लेस डू यू नो एनी वेर आप घूमने चले जाओ यू विल सी इंडियन इंडिया के बाहर आप किधर भी चले जाओ यू विल सी अग इंडियन ग्रुप एंड अ फैमिली ट्रिप एंड एवरीबडी इज ट्रेवलिंग वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रैवलिंग इमेजिन दैट एंटायर मनी कम्स टू इंडिया टुडे वाई इज़ द फॉरन करेंसी टूडे इफ यू हैव टू सेंड योर चिल्ड्रेन आउटसाइड इंडिया टू स्टडी अगर किसी को यूएस भेजना है तो बॉस वहाँ के एक डॉलर के लिए तुमको अस्सी रुपया खर्च करना पड़ेगा कितनी बुरी बात है ये दिल को कितना दर्द देता है कि माई इंडियन रुपी एट्टी रुपीज इज वर्थ वन डॉलर ऑफ दैट कंट्री this is a very sad reality we should feel the pinch of it the day we feel bad about it we'll understand that making in india is very important buying indian products is very important otherwise i don't know what will happen by the next few years where is the indian rupee going to go we are that is why promoting tourism we are going to have 50 new airports and heliports. So here, why are we planning, focusing on tourism? Kiyaar apna desh dekho, not only for domestic tourism, also for international tourism. People should come and visit here. तो उससे क्या होगा इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी जहां पे टूरिज्म बढ़ेगा वहां पे होटल्स बढ़ेंगे जॉब बढ़ेगा दिस इज हाउ द मनी विल कम इन टू इंडिया बॉस सो दिस बजट हैज डिसाइडेड कि हमारा टारगेट क्या है कि हमको इतनी कमाई करनी है अपना इनकम इतने से बढ़ाने का है उसके लिए क्या करना पड़ेगा टूरिस्ट साइट पहले पचास डिसाइड करेंगे फिफ्टी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो तो देश का हमने बजट बनाया ये हमारा खर्चा है बॉस ये खर्चा है उसके बाद क्या करेंगे इनकम कहाँ से जनरेट होगा तीन टैक्स डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट के कुछ बिजनेसेस होते हैं। उनके पास प्रॉपर्टी होती है रेंट पे देते डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वहां से कुछ पैसे रेलवे से पैसे आएंगे रेलवे वॉज लॉस मेकिंग वी आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर हाइएस्ट एवर मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन रेलवे मनी टू स्पेंड टिल नाउ द हाइएस्ट एवर बजट हैज बीन एलोकेटेड फॉर रेलवेज की रेलवेज का फेस चेंज करना है डोंट यू वॉन्ट टू से दैट यू गो एंड ट्रेवल आउटसाइड एंड डोंट यू फील यू दिस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो नाइस काश हमारे यहाँ भी होता हम स्पेंड भी करेंगे बट विल यू मेंटेन इट सिंपल थिंग लाइक क्लास बेंचेज यू कम एंड स्क्रिबल बिकॉज इट डजेंट बिलोंग टू यू यू नॉट विल यू डू दैट एट होम मम्मी घर के बाहर निकल देगी वो बेंच पे जाके इधर कुछ तो लिख के आ गए फर्नीचर पे कुछ तो लिख के आओगे क्या

तो मेट्रो हम बना लेंगे लेकिन आप क्या उसको संभालोगे अच्छे से यूज करोगे क्लास की एक बेंच देखो आप कैसे बना रहे हो कचरा कितना होता है अगर आप कुछ लेस खाओगे या वेफर्स खाओगे यू जस्ट थ्रो द रैपर्स हियर इन द क्लास शुड वी बी डूइंग दैट वी आर गोना बी प्रोफेशनल इन थ्री इन मुझे भी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आई एम टीचिंग दिस इज अ सीए क्लास दिस इज अ एजुकेटेड इससे ज्यादा एजुकेटेड लोग और कौन होंगे अगर चार्ट अकाउंटेंट्स ऐसे बिहेव करेंगे तो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स ठीक है कमिंग बैक टू बजट कमिंग बैक टू एक्सपेंसिज एंड कमिंग बैक टू इनकम हमारा जो इनकम है गवर्नमेंट का ये टैक्सेस से आएगा जो भी डिफरेंट शॉर्टफॉल होगा उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट ये जो फिजिकल डेफिसिट है इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेती है लोन इज दैट ओके तो हर साल आता है बजट कि बॉस इतना खर्चा करना है इतना कमाना है अभी इनकम के लिए क्या करेंगे तो बजट आता है एवरी ईयर देर आर चेंजेस सो एवरी ईयर द एक्सपेंसिस आर प्लैंड एंड समटाइम्स देर आर अनप्लैंड एक्सपेंसिस देर आर प्लैंड एक्सपेंसिस डिफेंस पे भी बहुत खर्चा करना जरूरी है इंडिया हैज टू बी अ वेरी स्ट्रांग कंट्री अदरवाइज बॉस चलेगा नहीं विथ टू डे वॉट इज हैपनिंग वी हैव टू हैव गुड न्यूक्लियर पावर्स एंड वी हैव टू हैव दिस गुड न्यूक्लियर वेपन्स विल यूज इट विल नॉट यूज इट इज अ डिफरेंट थिंग बट वी नीड टू स्पेंड मनी ऑन ऑल ऑफ इट ट दैट येसो ये फिजिकल डेफिजिट है तो ये लोन के फॉर्म में आने वाला है सो so, ये जो हर साल बजट आता है ना बजट हर साल आता है यस बजट अगर दो प्रकार का होगा एक होगा जैसे एक फेब्रुवरी को आएगा और कभी कभी एक इलेक्शन ईयर का भी बजट आता है कौन से ईयर में आता है इलेक्शन ईयर जनरली इलेक्शन ईयर में फिर गवर्नमेंट क्या करेगी बहुत से छूट दे देगी टैक्स बेनिफिट दे देगी दे दे तो जनरली इलेक्शन ईयर में ज्यादा लॉज में चेंजेस करना अलाउड नहीं होता यू कैन मेक ओ लिय फ्यू चेंजेस यू कैन मेक ओनली अ फ्यू चेंजेस नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी लास्ट ईयर है इलेक्शन ईयर है बहुत सारे बेनिफिट दे देगी दे नहीं इस पर क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शंस होते क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शंस होते तो बजट आता है एक फेबर को बजट जब एक फेबर को आता है जैसे अभी क्या आया फर्स्ट फेब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये वाला आपको एप्लीकेबल नहीं है मैं आपको कौन सा पढ़ा रही हूँ जो फर्स्ट फेब्रुवरी ट्वेंटी टू को आया आई हैव अ कॉपी ऑफ एक्ट बट इट्स इन माई कार आई गेट इट टूमोरो मैं ऊपर लेके आती हूं तो आपको यहां पे मैं एक्ट कुछ दिन रख दूंगी तो जो जो एकाध सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगी आप क्या करना एक्ट से देख लेना कि एक्ट में वर्डिंग्स कैसे है कैसे लिखा हुआ होता है हमें इंटरप्रिटेशन कैसा करना है तो अब समझो जो फर्स्ट फेब्रुवरी 22 को क्या हुआ फर्स्ट फेब्रुअरी 22 को फर्स्ट फेब्रुवरी 22 को जब बजट आया कहा जाएगा ये बजट हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट विल गो इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये राज्यसभा लोकसभा में डिस्कस होगा डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव इलेक्टेड आर मेंजेंटेटिव सो दे कैन टेक डिसीजन ऑन आर बिहाफ तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये बजट डिस्कस होगा डिस्कस होने के बाद अप्रूव हो जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा द डे द प्रेसिडेंट साइनज इट और गिव कंसेंट द बजट विच इज कॉल्ड एज ए बिल इज नाउ बिकमिंग एंड एक्ट तो द बिल विल नाउ बिकम एंड एक्ट बिल क्या बनेगा एक्ट बन जाएगा कभी कभी एमरजेंसी में जैसे कि पार्लियामेंट काम नहीं कर रहे पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन डू यू नो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हर बार दिल्ली में नहीं रह सकते दे हैव टू रिमेन इन देर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दे आर स्टेट एंड वर्क ना तो पार्लियामेंट पूरे बारह महीने काम नहीं करता पार्लियामेंट के कुछ सेशन होते हैं एंड जब पार्लियामेंट इज इन सेशन एवरीबडी हैजू गो टू दिल्ली स्टे देयर एंड अटेंड द पार्लियामेंट सो पार्लियामेंट जब छुट्टी पे है पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन क्या बोला पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट इन सेशन मनजे क्या है कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स बैठ के मीटिंग कर रहे हैं पार्लियामेंट जब सेशन में है मतलब सब लोग किधर है इलेक्टेड मेंबर्स किधर है दिल्ली में नॉट इन सेशन मतलब दिल्ली में नहीं है हर कोई अपने अपने स्टेट में है तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इमरजेंसी है और मुझे कोई तो एक्ट बनाना है जैसे कोविड के टाइम हुआ था इनकम टैक्स में मुझे बेनिफिट्स देने थे कुछ कोविड से रिलेटेड डिड एनीबडी एक्सपेक्ट कोविड हैड एनीबडी एक्सपेक्टेड पार्लियामेंट सेशन में होगा नहीं पार्लियामेंट तभी सेशन में नहीं था बट हमें इमरजेंसी में कुछ चेंजेस करना जरूरी था तो तब इमरजेंसी में हम क्या करते हैं प्रेसिडेंट एक्ट का छोटा भाई होता है और उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस क्या होता है एक्ट का छोटा भाई ऑर्डिनेंस एंड प्रेसिडेंट हैज पावर टू मेक द ऑर्डिनेंस बाद में ये ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में रखा जाता है और उसको अप्रूव किया जाता है बाद में ये प्रोसेस है मेरे पास सब ये फ्लो चार्ट है नोट इट डाउन फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड एक कभी कभी एक्ट भी हो सकता है कभी कभी ऑर्डिनेंस भी हो सकता है जल्दी जल्दी कभी कभी क्या होगा एक्ट होगा कभी कभी ऑर्डिनेंस होगा ऑर्डिनेंस हम लोग जनरली नहीं बनाते ordinance के पास कब जाएंगे बनातेमरजेंसी फिर से बोलना कब बनेगा हैज पावर्स टू मेक ऑर्डिनेंस जनरली हाउ डज अ बिल बिकम एन एक्ट बिल जनरली एक्ट कैसा बनता है मैम जो बिल होता है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अप्रूव कौन से दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है तो लोकसभा राज्यसभा उधर अप्रूव होगा उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा प्रेसिडेंट विल विल साइन एंड देन इट बिकम एन एक्ट हम किस शब्द को यहां पे समझने की कोशिश कर रहे द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट तो इनकम ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इनकम क्या हम खर्चे पे भी, भी टैक्स लगा सकते हैं यस बट क्या हम ऐसा करते हैं नहीं हम किस पे टैक्स लगाते हैं इनकम पे दैट इज वाई इनकम वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज टैक्स डिराइव फ्रॉम द वर्ड टैक्सो इज अ इट मीन्स सबने रिपीट करने का रिपीट करने का टैक्सो मीन्स वॉट रेट ऑफ टैक्स वेन यू रिपीट योर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस वेन यू डोंट रिपीट बाकी के रिपीट कर रहे हो तुम शांति से सुन रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है खाली फुकट का रिपीट करने का क्लास में ठीक है वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैक्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इट इज अट मींस रेट ऑफ टैक्स वाई इज द इनकम टैक्स कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट बिकॉज इट इज टैक्स ऑन इनकम तुम पैसे कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा हुआ इट कम्स इन विच लिस्ट एंट्री नंबर एंट्री नंबर ऑफ द यूनियन लिस्ट यस बट यूनियन लिस्ट कहां पे दिया है आर्टिकल 246, 246 सिक्स सेवन शेड्यूल फिर से बोलना 246 फोर्टी सिक्स सेवन शेड्यूल गिव थ्री लिस्ट उसमें से पहला लिस्ट उसमें एंट्री नंबर क्या बोलता है इनकम टैक्स किसकी लिस्ट में आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी किसी भी लिस्ट में आता है क्या मैम जीएसटी खास है क्या है जीएसटी खास उसके लिए खास आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया कौन सा टू फोर्टी सिक्स एपर टू फोर्टी सिक्स टू फोर्टी सिक्स ए क्योंकि टू फोर्टी सेवन कुछ और रहेगा अभी टू फोर्टी सिक्स ए के बाद कुछ और इंट्रोड्यूस करना होगा तो टू फोर्टी सिक्स डबल ए भी आ जाएगा फिर टू फोर्टी सिक्स भी आ सकता है यू नेवर नो दिस इज हाउ द सेक्शन ऑल्सो अभी आपको वो बताऊंगी मैक के बारे में भी ठीक है अच्छा इनकम टैक्स कितना पुराना है बहुत पुराना है राजाओं के जमाने से लेवी होते हैं सबसे पहले एक्ट कब बना 1860 में उसके बाद 1922 में अब हम क्या पढ़ रहे हैं 1961 वाला बट 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 इनकम टैक्स एक्ट 1961 वी आर गोइंग टू स्टडी एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 22 तो आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी टू किसके लिए एप्लीकेबल है इट इज एप्लीकेबल फॉर मे ट्वेंटी थ्री एंड नवंबर ट्वेंटी थ्री एवरी मे अटेम्प्ट सिलेबस चेंजेस अच्छा बच्चे इतनी बार मे का लेक्चर देखते फिर नवंबर में पूछते मैम अमेंडमेंट्स am, है क्या अरे फाइनेंस एक्ट साल में इनकम टैक्स एक हीस बार बदलता है हर छह महीने नहीं बदलता इनकम टैक्स एक्ट चेंजेस एवरी ईयर ओनली वंस सो मे एंड नवंबर सेम अब जो फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी थ्री आया दिस बी एप्लीकेबल फॉर मे ट्वेंटी फोर एंड नवम्बर ट्वेंटी दिस लेक्स टेकिंग एज पर नवम्बर ट्वेंटी थ्री एज पर फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी टू ये फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी थ्री अभी तक एक्ट बना ही नहीं है अभी बजट कब आया फर्स्ट फेब अभी तो उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा फिर वो अप्रूव होगा फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा देन इट विल बिकम एन एक्ट उसको तो एक्ट भी बनना है अभी वो एक्ट जब बनेगा वो कब से एप्लीकेबल होगा मे 24 तो अब मैं जो पढ़ा रही हूँ अगर लेक्चर्स नवंबर 23 और मे 24 के बीच में क्या फर्क होगा अमेंडमेंट्स का तो अगर कोई अभी के लेक्चर्स देख रहा है उसको बाद में मेरा अमेंडमेंट का लेक्चर यूट्यूब पे देखना पड़ेगा मैम हमने अभी लेक्चर्स देखे बाद में मैंने डिसाइड किया हम ए ट्वेंटी फोर का एग्जाम देना है तो डोंट वरी ऑल दिस प्लस माय अमेंडमेंट लेक्चर ऑन यू अमेंडमेंट लेक्चर ऑन कम्स विद द नोट्स इट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू देन यू कैन जस्ट चेक द नोट्स एंड यू कैन अटेंड दैट अमेंडमेंट लेक्चर जस्ट टू और थ्री आवर्स इट टेक्स फॉर अमेंडमेंट्स नॉट मच सो ये जो हमने सीखा है वो एज इट इज तो हम ये जो पढ़ रहे हैं हम कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं Finance Act 22. Which Finance Act I am going to teach you? Finance Act 22. Actually, I am going to teach you Income Tax Act 1961 as amended by Finance Act 2022. now we are learning what? Income Tax Act.

कब? जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और वो ऑर्डिनेंस बनाना जरूरी है विल दिस ऑर्डिनेंस लेटर ऑन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट यस बाद में ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा इज ओके एक्ट कैसे बनता है पहले बिल बनेगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होगा प्रेसिडेंट साइन करेगा जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेगा इट विल बिकम एन एक्ट झेपता है Sure, yes. so uh, the Income Tax Act 1961. Now, what you have to understand goods and service, this was the GST website, this was the Constitution. ओके नाउ जस्ट सी ये क्या है मैंने क्या लिखा है पढ़ो जरा क्या है ये और आर्टिकल क्या है और लिस्ट वन क्या है पक्का देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था डिफेंस नेवल मिलिट्री एयर फोर्सेस दे ऑल लिसन टू होम द प्रेसिडेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड, ये थर्ड फिर फोर्थ फिर ऐसे करते 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 कौन सा एंट्री नंबर आएगा 82 एंड 82, देखो वॉर एंड पीस फॉरेन फॉरेन जूरिस्डिक्शन पिलग्रमेज टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया शिपिंग अलग 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 इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऐसा करते 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 किधर 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 गया किधर आऊ मैं 82 देखते क्या है आ गया टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्री इनकम इनकम टैक्सेस ऑन इनकम अदर ये सीरियल नंबर 82 है तो इसको क्या बोलते हैं एंट्री नंबर 82 क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस है नहीं ऐसी सारी पॉइंट है जिससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बना सकता है क्या था ये क्या था देखो हेडिंग देखो वॉट वॉज दिस सेवेंथ शेड्यूल आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट वन ऐसा ही लिस्ट टू में अगर आप स्टेट लिस्ट देखोगे वहां पे अलग अलग एंट्रीज है एंट्री मतलब कुछ नहीं ये सीरियल नंबर वन वन इज डिफेंस देन नेवल देन डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्स फायरमैन ये सब एटॉमिक एनर्जी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन उसको हैंडल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट सो ये सारी चीजें लिखी हुई है ऐसी कॉन्करेंट लिस्ट भी है कॉन्करेंट लिस्ट डज नॉट हैव एनी टैक्स आइटम बोलना फिर से कॉन्करेंट लिस्ट डज नॉट हैव एनी टैक्स आइटम्स इज दैट ओके श्योर पक्का तो अभी तक हमको अच्छे से अभी समझ में आ गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो शुड बी नोटेड डाउन यस नाउ यू कैन प्ले अ सॉन्ग एंड लिसन टू अ सॉन्ग विल नोट डाउन अ फ्यू थिंग्स हाँ रुको ना क्या क्या लिखना मैं बोलती हूँ आई टेल यू वॉट ऑल टू राइट पहले ये लिखेंगे ऐसे सुनो पहले गाना लगा दो ना ऑक्स केबल है क्या यहां पे ब्रेक आई गिव एट नाइन थर्टी ब्रेकफास्ट ब्रेक नाइन थर्टी पे मिलेगा चलेगा ना क्या हो गया भूख लग गई तुमको नौ no, बजे अच्छा तो थोड़ा लिख के फिर ब्रेक दे देती हूँ नाइन थर्टी का नाइन फिफ्टी नाइन ट्वेंटी थोड़ा तो करते फिर अपने को ग्यारह बजे तक बैठना है हाँ चलेगा ना लिखोगे ना मैनेजेबल yes, ma. है ना yes. चलो लिखो फिर अच्छा वैलेंटाइन डे वाला कोई गाना लगाओ यस <laughs> बेटा yes, हाँ।, हाँ हमारा वैलेंटाइन ही नहीं है <laughs> संयम रुक जा सेक्शन सब सेक्शन बताना है मुझे अभी बताया नहीं है ये तुम गाना लगाओ ना आना फिर तू लगाने वाला है ऑक्स केबल देख किधर 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 है ये ग्रीन वाला हाँ ग्रीन ग्रीन, ग्रीन वाला उस पर लगा के देख तुम लिखना चालू करो ना ये इनकम टैक्स तो लिखो तो सिक्सटी वन आम सॉन्ग प्ले कर हेमंत ऑक्स केबल कुछ ले चेक चेक hey, लिखो ना जल्दी हो गया चलो जल्दी करो लिख के हो जाएगा अभी इन फाइव मिनट्स फर्स्ट सेक्शन है स्कूप प्रोडक्ट एंड अप्लाई डाने ये इनकम टैक्स एक्ट लिख के हो गया <laughs> I don't select the song that are played in the class. Disclaimer: to the live streaming students. <laughs> history <laughs> भी जुदाई सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरी में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार कितनी रात है तेरे हो गया Wait, I'll scroll down. हो गया क्या No. तुम तो लोग क्या गाना देख सुन रहे थे कैसे यहाँ तक ये लिखना है हिस्ट्री में हो गया हिस्ट्री लिखे I have something else also. Finish मेरा आए मेरा Pause कर, ना। कर सुनो Now, ordinance is applicable to of India. मैंने बोला पूछे so, yes, पूछे जा रहे, पूछे जा मैम अच्छा हाँ, एक बार ऐसा हुआ था एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा नाम लगे ऐसा डाउट क्यों पूछा मैम मैंने पूछा तुम क्लास में बैठ के चैट पे डाउट मत पूछना तू पूछ रहा है ठीक है तूने सारे पैसे वैलेंटाइन डे पे खर्च कर दिए ना तो फोन बंद ही होने वाला है तेरा और नहीं तो क्या चलो सुनो अभी नाउ लिसन लिसन एक्ट बिल कैसे बनता है ना सुन के लेना बिल एक्ट uh, कैसे बनता है सुन के लेना बिल का पहले ड्राफ्ट होता है ना लिसिन देर अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है देर इज एक्सटर्नल अफेयर देर इज टूरिज्म मिनिस्ट्री देर इज वूमन वेलफेयर देर इज फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड को बोला जाता है फाइनेंस मिनिस्टर बोलना फाइनेंस मिनिस्टर के हेड को क्या फाइनेंस मिनिस्टर हेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ठीक है फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसका हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इज द फर्स्ट वुमेन फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पीयूष गोयल जी इसके पहले थे वॉज द फर्स्ट चार्टेड अकाउंटेंट फाइनेंस मिनिस्टर इसके पहले के लगभग सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैव बीन लॉयर्स हैव बीन लॉयर्स Piyush Goelji was the first chartered accountant who was a finance minister. Nirmala Sita Raman is the first full-time woman finance minister. Now, why I'm saying first full time woman finance minister? Because Indira Gandhi the Prime Minister thi, she was also handling the portfolio of finance. So part time she was a finance minister, and whole time she was handling the she was the PM, but she was also handling the portfolio of finance. But a whole time finance minister, first time we had, and that is Nirmala Sita Raman. करेक्ट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए जो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड लॉ बनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड लॉ बनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए वो किससे रिलेटेड लॉ बनाएगा कॉर्पोरेट सो आपका सी लॉ वगैरह कहां से बनाएगा एम सी यस दैट इज ऑल्सो हेडेड बाय निर्मला सीतारामन Now, ये जो बिल है पहले ये जो बिल बनाएगा ये कौन बनाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों बेटा ये फाइनेंस से रिलेटेड है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होता है नो बडीज आस्क यू दिस क्वेश्चन सो एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस होता है वो हमेशा होता ही है कि लॉ कैसे बनाया जाएगा उनके साथ अगर फाइनेंस वाली मिनिस्ट्री फाइनेंस वाले एक्ट बनाएगा कॉर्पोरेट अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट लॉज बनाएंगे और फिर एक ड्राफ्ट बनेगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा साइन बाय द प्रेसिडेंट फिर क्या बनेगा एक्ट अब ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट बनाएगा व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन बट आपको इमरजेंसी है फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में 2019 और 2020 में ऑर्डिनेंस आया था ठीक है तो इनकम टैक्स एक्ट भी था और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस में छोटे से चेंजेस होते हैं पूरा ऐसा एक्ट जैसा नहीं होता एकदम छोटे चेंजेस जो करना जरूरी है

क्या हो गया? हुआ है लिखा, लिखा है तुमने नहीं लिखा तो भी चलेगा नहीं बस एक्ट एंड ऑर्डिनेंस इसका हेडिंग दे दो एक्ट एन ऑर्डिनेंस हेडिंग क्या दोगे इसका एक्ट एन ऑर्डिनेंस दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी मतलब हो जा जरा मतलब दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी सेल करेगा तो कोई बाय करेगा ना सेलिंग एंड पाएंगे सेम बाइंग ट्रांजेक्शन तो एक ही ना? नथिंग ड्राफ्ट अंकित कौन है रोहित एक बिल क्या है पहले एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाता है ना फिर उसमें चेंजेस होके फिर वो एक्ट बनेगा पता है मैंने तुम जानबूझ के किया है किस फिनिश दिस फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस कितने दिनों में अप्रूव होना चाहिए एंड जनरली पार्लियामेंट अप्रूव करती है इमरजेंसी में बनाया हुआ कोई एक्ट ऐसे ही हमने नहीं बनाया होगा और बहुत ही कम पॉइंट्स होते हैं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑर्डिनेंस बाद में अप्रूव नहीं हुआ है ऑर्डिनेंस इज जनरली अप्रूव बाय द पार्लियामेंट ओके एंड इट शुड बी अप्रूव विद इन सिक्स वीक्स ठीक है आई यू गेट एनी क्वेश्चन ऑन दिस नो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं अच्छा अब ये जो बिल है इसी को बिल माने क्या है ड्राफ्ट है ये फाइनल नहीं है ना इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ड्राफ्ट बोलते हैं फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होता है कभी कभी कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं और चेंजेस के बाद जो फाइनल बनेगा उसको क्या बोलेंगे एक्ट इज दैट क्लियर यस सर शुड बी टेक अ ब्रेकफास्ट ब्रेक नाउ आपको कितने टाइम का ब्रेक लगेगा ओ माई गॉड अ लॉट तो लिख ना? ना लिख दे अच्छा तो मैं टाइमर लगा दू मैं तेरह मिनट का टाइमर लगाती हूँ टू मिनट लाइक ग्रेस पीरियड हो जाता है फिर वो बाद में मेरे यहां मैं कितने टाइम का टाइमर लगा रही हूं बारह ट्वेल्व मिनट्स गो ना गो हैव योर ब्रेकफास्ट एंड कम ब्रेक लाओ तीखे

क्या खा क्या है तुम लोग वड़ा, वड़ा पाव इडली समोसा कॉफी फ्री की कॉफी वॉट इज फ्री तेरे को सब फ्री चाहिए तूने सारे पैसे वैलेंटाइन पे खर्च कर दिए हाँ <laughs> हाँ फ्री की कॉफी मिल रही है किधर है मैं भी जाने वालू किधर सिंगर्स को जाओ चलो अभी स्टार्ट करते फोकस करते अच्छा सुना पे अटेंशन स्टॉप टॉकिंग फॉर टू मिनट जस्ट लिसन थोड़ा सा लिख के लिया फिर से थोड़ा डिटेल में समझ के लेते हैं सुनना चैप्टर वन जैसे ही खत्म हो जाएगा ना बेटा मैं आपको चैप्टर टू से टिप्स देना स्टार्ट करूंगी कि अगर आपको इसमें से क्या पढ़ना है पढ़ाई कैसी करनी है आपको अगर रैंकर बनना है तो आपके टिप्स क्या होंगे आपको यू नो यू हैव टू प्लान बीइंग अ रैंकर देन समवेयर यू विल रीच उसके पास मतलब पास पास होने का जो प्लान है आपका ठीक है तो आपको जो है मैं टिप्स देना कब से स्टार्ट करूंगी चैप्टर टू से नहीं मैम हमको चैप्टर वन से ही टिप्स चाहिए अरे चैप्टर वन में कुछ है ही नहीं ना

टिलन आई कान गिव यू टिप्स बिकॉज चैप्टर में इतना यह टिप्स hey. ah. <laughs> so, बिल्कुल दिए जाएंगे पढ़ाई कैसे करने वगैरह वगैरह दूसरा डाउट सॉल्विंग जो है फेस टू फेस आप डाउट पूछ सकते हो लास्ट टेन मिनट्स लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आई कीप फॉर क्वेरी सोल्विंग प्लस लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स के साथ हम बीच बीच में जूम सेशन भी करेंगे सो दैट वी कैन जस्ट हैव अ इंटरेक्शन विद द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट सो वील बी डूइंग दैट बट मैंने ऐसा बोल दिया तो इमीडिएटली कल से मुझे रोज मैसेज मत में भेजना मैम जूम सेशन कब है जब भी भी जूम सेशन प्लान होगा सबसे पहले मैं आपको आके बताऊंगी सो टिल देन डोंट आस्क मी बट वी आर प्लानिंग एंड वील डू इट ओके नाउ लिसन यहां देखो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम होता है लॉ बनाने का वो हमेशा किसी ना किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे जब जब लॉ बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का रोल आ जाएगा जब जब कोई लॉ बनेगा तो क्या होगा बेटा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का रोल आ जाएगा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कभी एमसीए के साथ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स कभी टूरिज्म के साथ अगर टूरिज्म से रिलेटेड कभी कुछ लॉ बनाना है एक्ट बनाना है इंडिया में बहुत सारे एक्ट है सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या बनाएगा लॉ के लिए वो हेल्प करेगा प्लस जो भी मिनिस्ट्री को लॉ बनाना है ये दोनों मिलकर वो बनाते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाइनेंस के बारे में बताए और लॉ कैसे बनता है एक्ट कैसे होता है ये जनरल जो गाइडलाइंस होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विल टेक केयर ऑफ इट इज दैट ओके यस प्रेसिडेंट एंड इट विम एन एक्ट तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या अब सुनो मुझे आपको क्या बताना है अब मुझे आपको ये बताना है कि पहले जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं पेट्रोल पे आपको लगता है एक्साइज भी लगता है क्योंकि पहले पेट्रोल मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद वो बेचते तो क्या लगता है वैट ओल्ड टैक्सीज में प्रॉब्लम क्या था पता है अगर मैंने शूज मैन्युफैक्चर किए तो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेगी फिर अगर मैंने ये शूज को सेल किया सेल विदिन स्टेट किया तो वैट लगाते थे फिर अगर मैंने सेल आउटसाइड स्टेट किया तो क्या लगाएंगे तो क्या हो रहा था मतलब ये वैट तो लगे एक्साइज तो लगेगा ही प्लस वैट लगेगा मतलब मैन्युफैक्चर करने वाला एक्साइज लगेगा फिर मैन्युफैक्चर करके बेचने पे वैट लगेगा ये एक से ज्यादा टैक्सेस लग रहे थे इतना ही नहीं बहुत है लोकल टैक्स अलग अलग ऑक्ट्रा मतलब स्टेट में एंट्री करने के लिए आप देखते हो कभी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो वो टोल नाका होता है बसेस खड़ी है ट्रक्स खड़ी क्या है वहाँ पर एंट्री टैक्सेस चल रहे थे वो भी अभी सब निकाल रहे गवर्नमेंट ने बोला यार तुम एक ही लोग बोल रहे परेशान हो गए लोग एक्साइज में भी रजिस्टर करो एक्साइज के रिटर्न्स भरो वैट में रजिस्टर करो वैट्स के रिटर्न्स भरो जैसे इनकम टैक्स के रिटर्न भरना यार कितना कंप्लाइंस करेगा ईज ऑफ बिजनेस लेके आओ वन टैक्स यू लेवी बाबा जितना लेना है एक ही बार ले लो एक टैक्स ले लो एक ही बार कंप्लाइंस कराओ ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस से लोग परेशान हो गए थे इसलिए इस सबको काट डाला और जीएसटी लेके आए फिर क्या लेके आए जीएसटी लेके आए अब आप अगर शूज मैन्युफैक्चर करो और उसके बाद सेल करो तो एक ही टैक्स लगेगा दैट इज जीएसटी अगर आप विद इन महाराष्ट्र करोगे तो सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी अगर आप दूसरे अदर स्टेट्स में बेचोगे तो आई जी एस टी तो एक ही टैक्स आ गया ना पहले मैन्युफैक्चर करने पे मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स हो माय गॉड एक्साइज के रूल्स एक्साइज का एक्ट फॉलो करो उसका रिटर्न ये मैं बहुत डिटेल में आपको इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ाने वाली हूँ बाकायदा पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर जाएगा इसीलिए मुझे पता है कि इसके ऊपर मैं आगे टाइम स्पेंड करने वाली हूँ इसलिए मैं आज डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि जब मैं जीएसटी स्टार्ट करूंगी आप शायद आज का कुछ पोर्शन भूल जाओगे इसलिए वो मुझे आज नहीं बताना आपको जब रेलेवेंट होगा तब बताऊंगी सी सी अंडरस्टैंड वन थिंग what's your age you all are what 18. 18 you add some years to it is my teaching experience i'm teaching for last 21 years i know what is to be taught to you at what time when you learn something new for the first time believe me teacher's role is very very important whether i make you like the subject or whether i make you hate the subject is what i decide सेकेंड टाइम पढ़ते वक्त आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ो फर्स्ट टाइम पढ़ते वक्त आप थोड़ा समझो कि अगर आज मैं किसी बात पे टाइम नहीं स्पेंड कर रही हूँ तो कुछ रीजन है वहां पे। इफ अ स्मॉल लाइक आई गेव यू एग्जाम्पल ऐसे अगर छोटा बच्चा कुछ खाना चालू कर देता है डू वी स्टार्ट फीडिंग एम बिरयानी इमिजिएटली वी आर नॉट गोन डू दैट आपकी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है आई नो वॉट इज गुड फॉर यू विथ एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड दिस की बच्चे को क्या डाउट आएगा बिलीव में जब मैं आगे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी मैं आपको बोलूँगी डाउट पूछना भी मर मुझे पता है क्या डाउट्स आएंगे मैं उसके आंसर दे दूंगी डाउट्स आंसर मैं खुद ही पहले वो क्वेश्चन फ्रेम करके दे दूंगी जब मैं आखिरी में बोलूंगी ना ना आज यूर डाउट्स बिलीव में यू से मैम देर आर नो डाउट्स मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट्स आने वाले हैं मुझे पता है यू फील रेसलेस यू फील ओ माई गॉड आई वॉन्ट टू नो इस पे फिर टैक्स लगेगा उस पर लगेगा हैव पेशेंस स ये एग्जाम वही क्रैक कर पाता है जिसमें पेशेंस होगा थ्री आर्स का वो एग्जाम देना प्रेशर हैंडल करना वो सबकी बात बस की बात नहीं है आपको वो आज से सीखना पड़ेगा क्या रिजल्ट लगता है इंटर में तुम तो अभी फाउंडेशन में थर्टी परसेंट में आ गए इंटर का पासिंग परसेंटेज क्या होगा बोथ ग्रुप का सिंगल ग्रुप ये बोथ ग्रुप इज फाइव अदरवाइज इट्स एक ग्रुप दो गए तेरह परसेंट उससे ज्यादा नहीं है बेटा सीखो पढ़ते कैसे सीखो एग्जाम देते कैसे एग्जाम में एक हाथ क्वेश्चन कुछ पॉइंट दिख गया जो आपको याद नहीं आ रहा है ओ माय गॉड इतना तुम एनजाइटी और ऐसे हो जाओगे फिर पेपर नहीं लिख पाओगे दैट्स नॉट यू हैव टू लर्न टू हैंडल द प्रेशर इंस्टीट्यूट प्लेज विथ योर साइकोलॉजी एक खाद हाँ दो क्वेश्चन ऐसे जीएसटी में डिटेल ट्रिकी पेपर बोलेंगे दो क्वेश्चन ऐसे डालेंगे कि बस अरे वो छोड़ के भी तुम बच्चा हुआ सॉल्व करके आ जाओगे ना यू विल पास एंड गेट गुड मार्क्स बट वॉट यू डू वेन यू डोंट नो समथिंग आपका ये जो मेंटल बैलेंस है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और जो आ रहा है वो भी आप भूल जाते हो ये जो होता है ना धीरे धीरे ऐसा नहीं होता कि एग्जाम डे पे यू विल डिसाइड नो नो आई एम वेरी टफ एकदम वन डे से नहीं बनता है वो आज से क्लास में अपने को करना है बातें कम करना सोचना पहले थिंक मोर टॉकलेस ऑब्जर्व मोर लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग कि मैम ने यहां क्या एडजस्टमेंट किया वो ऐसा सॉल्व किया मतलब प्रोविजन ऐसा होगा लकीली आई गेट टू टीच यू टू टाइम वन आई टीच यू थेरोटिकली एंड सेकंड टाइम आई टीच यू प्रैक्टिकली नो डाउट विल बी लेफ्ट यह बेसिक है और नया टॉपिक है ऐसे मत बोलो कि मुझे टैक्स जो है समझ गिव योर सेल्फ समोंट जज योर सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर वैसे भी एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिर्फ समझ है और तुमको ये चीजें पता ही नहीं है कि अच्छा पार्लियामेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग है कौन सी कौन सी मिनिस्ट्री आपको एक्सपोजर नहीं मिला आपने सिर्फ थेटिकली सीखा है जवाब और दुनिया देखोगे ये चीजें बहुत नॉर्मल है इट विल बिकम वो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिस फाइनेंस मिनिस्टर होता है एक्ट कैसे बनता है ये आपको नहीं जरूरी नहीं है जो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं होगा आपके पेरेंट्स को भी पता होगा ये जो बिजनेसमैन है उनको टैक्स आपसे ज्यादा पता होगा आज की तारीख पे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है आपको एक्सपोजर नहीं मिला इसमें आपकी गलती नहीं है इसलिए गो स्लो एंड स्टडी गिव योर सेल्फ टाइम डोंट जंप टू अ कंक्लूजन इन टू और थ्री डेज ओ आई लाइक दिस सब्जेक्ट आई डोंट लाइक डोंट डू दैट गिव फि डेज गिव ट्वेंटी डेज देन एनालाइज यूर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड देन डिसाइड वो आई एम लाइकिंग दिस सब्जेक्ट किसी को थियोरी पसंद है किसी को प्रैक्टिकल पसंद है फिर किस तरीके से चेंज करना है वो हम देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है अपना फिर वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलना विल डिसाइड दैट समबड़ी में भी कंफर्टेबल विथ वन सब्जेक्ट यू मै नॉट बी कम्फर्टेबल विथ अन अदर सब्जेक्ट एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट लाइकिंग बट गिव योर सेल्फ समाइम आज और दो दिन में नहीं डिसाइड करना कि मुझे ये पसंद है और ये नहीं पसंद है इंट्रोडक्शन होने दो एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने दो एंडो we'll करते जाएंगे बेटर लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों को भी सुनाई दिया जोरदार लवली अब सुनना तो यहाँ क्या हो रहा था की ओल्ड टैक्सीज में मैम एक्साइज भी लगता ये वैग भी लगेगा और भी टैक्सीज लगेंगे लोग परेशान हो गए थे यार ये है क्या जीएसटी आने से पीपल आर लाइक गुड इट्स ट्रांसपेरेंट एक ही टैक्स लग रहा है तो बस है वी आर सॉर्टेड ठीक है तो क्यों जीएसटी आया और ये ओल्ड टैक्सेस और न्यू टैक्सेस में क्या है ये जब इनडायरेक्ट टैक्स में आएंगे तब समझेंगे आज मुद्दा किस चीज का है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पहला मुद्दा किसका चल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का जब इनडायरेक्ट टैक्स में आऊंगी बहुत डिटेल में बताऊंगी कि हम जीएसटी लेके ही क्यों आए पहला पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर उसी पे जाएगा मतलब तीन चार लेक्चर उसी पे जाएंगे कि हम जीएसटी क्यों लेके आए और पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है सो डोंट वरी अबाउट इट ठीक है अब उसके बाद देखो लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर मुझे एक चीज बोलो ना आपको अगर पैसे कमाने ठीक है क्या करना है आपको पैसे, पैसे, पैसे कमाने तो आप क्या क्या किस तरीके से पैसे कमा सकते हो आप क्या कर सकते हो जॉब जॉब के बाद मतलब आपको सैलरी कमाओगे उसके बाद हाँ, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस से प्रॉफिट आएगा ना लॉस भी आ सकता है विच इज ओके ट्रेडिंग करोगे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स सो so, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स करेंगे या मैम हम इंटरेस्ट से कमाएंगे रेंटल इनकम गैमलिंग ओके okay. कौन कर रहा है गैम्बलिंग लास्ट बैच में तो एक बच्चे ने भारी एग्जाम्पल दिया था पहले रुकती तुम्हारे आ रहे क्या कुछ अतरंगी आंसर नहीं तो उसका आंसर भी बता दूंगी क्या था उसका रेंटल so के बाद तुमने क्या बोला गैमलिंग तू बोल बोल दे आर ट्राइंग टू मैच विथ हिज अतरंगी आंसर देखते तुम मैच कर पाते हो कि नहीं स्मगलिंग क्रिप्टो अच्छा डिविडेंट ए तुम लोग तुम लोग सही वाले तो आंसर्स दो पहले चलो जरा डिविडेंड इनकम और अच्छा यहाँ पे आ रहा है रॉयल्टी केबीसी गिफ्ट अरे वाह कौन गिफ्ट दे रहा है आज तो व्हाट <laughs> सब्सक्रिप्शन <laughs> <What subscription>, बेटा <laughs> पोकर पोकर तीन पत्ती फ्लैश क्या खेलना है हो गया ना कमीशन ब्रोकरेज आ गया सेल ऑफ असेट्स हाँ? पीजी मतलब रेंटल इलीगल इनकम ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल इनकम तो सेंड मैम सेल ऑफ किडनी मैं किडनी बेच दूंगा मेरा <laughs> इलीगल इनकम एक्सेट्रा 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 चलेगा चलेगा अब देखो आपको जो करना है आप जिस तरीके से पैसे कमाना है चॉइस आपका है टैक्स हमको देना पड़ेगा दैट्स ऑल द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेन मनी एनी हाउ द चॉइस यू वॉन्ट सेल योर किडनी यू सेल योर किडनी यू वॉन्ट टू अर्न बाय रेंटल इनकम यू अर्न इंटरेस्ट इनकम यू अर्न डिविडेंट इनकम बॉस कम एंड टेक टैक्स इन शॉर्ट वेदर यू अर्न लीगल इनकम और यू अर्न इीगल इनकम यू विल है अभी <laughs> सारे के सारे बच्चे क्या है अभी क्लास क्या छूट गई है ब्रेक है क्या है तुम्हारा मैंने दे दिया हमारा ब्रेक हो गया <laughs> आई नो हर्ष सर की क्लास में हुआ था ना मेरा ब्रेक हो गया अभी नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे ब्रेक के साथ मैच कर दूंगी मैं <laughs> नहीं बट इट्स टू लेट उनको ब्रेकफास्ट खाना रहता ना इनको हमने 9:29 9:30 ब्रेक दे दिया था तुम लोग सब कैसे हो पढ़ाई अच्छी चल रही है मुझसे मिलने आए <laughs> बाहर में लेक्चर में okay, बाहर आओ। मी टेक द लेक्चर सी बाद में फिर ऐसे होता है पहले ऐसे लगता है टीचर एंड देन दे मीट मी जब क्लास होता था तो मेरा तब सुनते नहीं थे ये लोग हाँ अच्छा अभी मैं पढ़ाती हूँ थोड़ी देर है ना हाँ। जाओ मैं कल क्लास के बाद मिलती हूँ तुमको बाय 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 ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड वेर वो वी वी वर एट लीगल इनकम और इसको करना है किडनैपिंग दीपांशु करने वाला है किडनैपिंग ओके तो आप इनकम किसी भी तरीके से अर्न करो आपको क्या देना पड़ेगा टैक्स सो सिंपल कंक्लूजन वेदर यू अर्न लीगल इनकम

तो इनकम टैक्स बोलते तुमको कैसे पैसे कमाना है वो तुम तुम्हारा देख लो हम इस इनकम को डिवाइड करेंगे इन टू फाइव हेड्स वी विल डिवाइड दिस मतलब पांच प्रकार के इनकम है पांच वी विल डिवाइड दिस इनकम इंटू फाइव हेड्स ऑफ इनकम दिस इनकम इंटू फाइव हेड्स ऑफ इनकम नाउ आर दिज फाइव हेड्स ऑफ इनकम लिसन वेरी केयरफुली

क्या रे क्या बोल रहे तुम डाउरी पहले तो तुमको शादी के लिए कोई मिलने नहीं वाला है उसके बाद मिल गया तो डाउरी मिलने के भी चांसेस बहुत कम है ठीक है हाँ तुम हाँ सी ए कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लो तो थोड़ा सोच सकते वरना तब तक तो मुझे नहीं लगता तुमको कोई शादी के लिए मिलने वाला है अब पी हो गया वन टू थ्री फोर कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये क्या है फाइव हेड्स ऑफ इनकम तो हमने क्या किया ऊपर जो भी इनकम है गवर्नमेंट बोलेगी हम उसको क्लासिफाई करेंगे पांच प्रकार में कितने प्रकार के इनकम होंगे पांच रिपीट मी फर्स्ट इनकम इनकम फ्रॉम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैपिटल गेन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज दट क्लियर ये फाइव हेड्स है ये हमारे चैप्टर्स है आपको आज सिलेबस की मुंह दिखाई होने वाली है। जो जो हमारे सिलेबस में चैप्टर्स के नाम है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ सो आई एम अ लेक्चर इनकम फ्रॉम सैलरी में टेक सम सेवन एट लेक्चर्स इनकम फ्राम एच पी वेक लेक्चर्स पीजीबीबी में टेक मोर टेन और ट्वेल्व कैपिटल विल टेक मोर लेक्चर्स आई वो एस इज वेरी स्मॉल एंड सिंपल चैप्टर इट विल टेक टू लेक्चर्सिंग देट सो बट देर आर सम वेयर द नंबर ऑफ लेक्चर्स इज क्वाइट अ लॉट सो इतना डिटेल में पढ़ने वाले हम हर एक टॉपिक इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे हर एक topic with lots of problem solving. Now over here, ये जो total है फिर अब मैम ऊपर जो इनकम है उसको कैसे डिवाइड करेंगे इनकम फ्रॉम जो सैलरी है वो क्या जॉब से जो चमेली का जॉब है उसको क्या बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी अच्छा कोई बिजनेस कर रहा है तो ये जाएगा पी जी बी पी क्या पी भी जी वेरी फेमिलियर टू पबजी नहीं दिमाग में नहीं आया किसी के नहीं आया अरे बहुत अच्छे बच्चे हैं तो बिजनेस क्या है पीजीबीपी अच्छा आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए सी ए प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर प्रोफेशन पीजीबीपी में जाएगा ये ठीक है ट्रेडिंग आ, दो तरीके हो सकते हैं ट्रेडिंग विल मोस्टली गो अंडर पीजीबीपी हाँ अलग भी है यहाँ पे ये यह कभी कभी कैपिटल गेन्स में भी जा सकता है कब कैपिटल गेन्स में कब पीजीबीपी में रहना है टीच पीजीबीपी आई विल टेल यू

पीजीबीपी ये डिटेल में कहा सिखाऊंगी हर चैप्टर का एक रूल होता है कि सैलरी में कब टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में कब होगा कैपिटल गेन्स में कब होगा तो आपको उस सवाल का मेन दैट क्वेश्चन यू विल हैव टू आंसर। नाउ इंटरेस्ट गोज अंडर आईओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रेंटल इनकम आपके पास प्रॉपर्टी है आपने रेंट पे दे दिया दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गैम्बलिंग स्मग्लिंग बिकम <laughs> अरे तुम स्मग्लिंग कर रहे हो <laughs> जाओगे फिर उसको क्या बोलेंगे अन डिसक्लोज इनकम अनुज इनकम आई कैन पुट इट अंडर आईओ एस इज लाइक रेसिडरी हेड पहले चार हेड्स में नहीं गए तो सब कुछ किधर जाएगा आईओ एस आईओ एस क्या है रेसिडरी कौन गिरा आईओ क्या है रेसिडरी हेड ऑफ इनकम मतलब जो भी इनकम पहले चार हेड में नहीं आ रहे वो किधर जाएगा iOS में पीजीबीपी और आईओ आप बिजनेस की तरह कर रहे हो तो पीजीबीपी एक आपने वन टाइम ही ऐसा आपको कुछ कमीशन या रॉयल्टी मिल गया तो आप उसको कहाँ भी डाल सकते हो आईओ में कमीशन इफ आई डू इट एज अ रेगुलर बिजनेस इट कैन गो इन पीजीबीपी बट मुझे वन टाइम कमीशन मिल गया किसी को फ्लैट बेच के मदद कर दिया एक ही बार उसके बाद कभी नहीं हुआ तो आई कैन पुट इट अंडर आईओएस एस ब्रोकरेज अगेन सेम पीजीबीपी और आईओएस एस गैमलिंग अनडिसक्लोज नहीं है कसिनो गोवा में आप जाते हो कसिनो में नहीं, नहीं गए अच्छा ठीक है ऑनलाइन कसिनो में लेकिन खेलने के लिए तुम्हारा क्या एज होता है ना तो यू आर नॉट एलिजिबल हाउ सैड अच्छा सीए करने के बाद जाएंगे अब सुनो गैमलिंग और इसके बारे में बताती हूँ मैं चर्चा करूंगी रुको सेल ऑफ असेट्स ओ हाँ मैंने आज असेट खरीदा प्रॉपर्टी खरीदी प्राइस बढ़ गया बेच दिया तो वो कहाँ जाएगा कैपिटल गेन्स में दीपांशु यू आस्किंग मी टू define रॉयल्टी Is that योर क्वेरी Why define रॉयल्टी रॉयल्टी इज एनीथिंग दैट आई गेट फॉर यूजिंग सम माय आइडिया मेरा पेटेंट है मेरे नाम पे कुछ इन्वेंशन है उसको यूज करना है तो तुम मुझे क्या दोगे रॉयल्टी दोगे इलीगल इनकम इज ऑल्सो गोइंग एज अनडिसक्लोज बेसिकली एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर आईओएस एग्रीकल्चरल इनकम इज एक्सम कमीशन कैपिटल गेंस क्यों नहीं हो सकता कैपिटल गेंस कोई असेट बेचने पे होता है कमीशन में मैंने कोई असेट नहीं बेचा असेट बेचोगे मैंने घर खरीदा प्रॉपर्टी खरीदा दस लाख में आई बॉट अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर टेन लैक्स आई सोल्ड इट फॉर फिफ्टीन so what इज my कैपिटल gains फाइव lakhs. lakhs ये कहां सिखाऊंगी अच्छा मुझे ये मत पूछो मैम ये इनकम पीजीबीपी में क्यों नहीं कहा क्यों नहीं क्योंकि मैं बहुत डिटेल में और पढ़ाने वाली हूँ ये अंदाज दे रही हूँ आपको एक अंदाजन मोटा मोटी ऐसे होने वाला है कैन दे सम चेंज लाइक टोल्ड इसलिए मैंने नंबर ऑफ लेक्चर्स पहले बताए पीजीबीपी में लगभग दस लेक्चर्स लूंगी सैलरी में सात आठ लेक्चर्स लूंगी ऑफ तो थ्री आवर्स के पूरा लेक्चर उसी चैप्टर पर डेडिकेट है तो हम कितना डिटेल में पढ़ेंगे तो तब समझेगा ये इनकम वहां क्यों वो इनकम वहां क्यों तो अब इसके ऊपर और चर्चा नहीं करेंगे नाउ

सो uh, so, वो आईओएस में ही जाएगा ड्रीम इलेवन मतलब आप वो एक टीम बनाते हो ऐप पे खेलते हो एंड देन यू प्ले एंड देन यू विन मनी एंड ऑल दैट स्टफ बट अगर मैं लाइव अभी आईपीएल के की मैच चल रही हूँ और उस पर बैटिंग कर रही हूँ कि यार अभी इस ओवर में कितने रन होंगे या विराट कोहली वी गेट गे, गे आउट एट व्हाट रन और आ, विल इंडिया विन अ टॉस मतलब बैटिंग हर चीज पे होती है

you can go to many countries and you can bet and it's legal see आज illegal होने की वजह से क्या हो गया? people do this in black money i can't do betting in sports and i'll tell a friend okay i lost money i'll give you this 10 lakhs as uh, cash mein, check mein de deti hu entry kya dikhaoge kya betting kiya tumne pakde gaye to to jail ho jayegi kuch ho jayega kaise karoge then you have to arrange black money oh and then you use that वॉट वी आर ट्राइंग टू टेल इज डोंट इसको लीगलाइज ही कर दो जो आज ब्लैक मनी चल रहा है वो सब लीगली कर दो ना लोग जीतेंगे तो टैक्स भी मिल जाएगा गवर्नमेंट को लाइक बेटिंग इन स्पोर्ट्स इज इलीगल ना रेस कोर्सेज जो होते हैं वहां पर रेस हॉर्सेस का रेसिंग चलता है रेसिंग ऑफ हॉर्सेस मेरा रेसिंग ऑफ हॉर्से इज लीगल इसको लीगल कर दिया है इसके रूल्स है तो जैसे यहाँ पुना में छः महीने uh, रेसिंग चलता है और छः महीने मुंबई में चलता है ऑल द हॉर्सेज फ्रॉम हियर देन टेक इन द जॉकीज गो देयर एंड सो सिक्स मंथ्स द सीजन रेसिंग सीजन इज इन पुणे एंड देन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स इट इज़ इन मुंबई यू कैन एक्चुअली गो सो देव टफ कोर्स ओवर हियर द टफ क्लब इज देयर जहाँ पे बिल्कुल मस्त रेस कोर्स द ट्रैक इज देयर एंड यू कैन गो एंड बेट ऑन अ हॉर्स एंड देन यू कैन यू नो आई दिन मनी और लूज मनी दिस जो विनिंग है ये लीगल है और ये टैक्सेबल है एंड दिस इज टैक्सेबल अंडर आईओस अब गोवा में जो कसिनोज है गोवा के जो कसिनोज है वो सारे क्रूज पे है रूल इन गोवा विच से गैमलिंग ऑन लैंड इज इलीगल गैमलिंग ऑन लैंड इज इलीगल देखो कितना स्मार्टली लॉ बना है अपने हिसाब से तो इसलिए जो भी गैम्बलिंग हो रहा है वो पानी में हो रहा है हवा में भी हो सकता है हवा में करना थोड़ा अफोर्डेबल uh, नहीं होगा एटलीस्ट द क्रूज इज अफोर्डेबल सो वॉट आर वी डूइंग बी डूइंग गैमलिंग वेयर क्रूज पे तो आप क्रूज पे जाके करते हो तो वहां कुछ नहीं बोलेंगे गोवा का टूरिज्म उस पर चलता है बाकायदा बॉम्बे से लोग निकलते हैं कि दोपहर की फ्लाइट करेंगे इवनिंग दे गो ऑन द क्रूज डिरेक्टली एंड डू बेटिंग प्ले गैम्लिंग करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल बी बैक ओके नेक्स्ट डे दे बैक सो दैट इज हाउ द गोवा टूरिज्म हाउ द टूरिज्म हिसाब से बने हुए. कुछ लीगल होगा कुछ इन लीगल होगा कुछ चीजें जैसे आपने uh, कोई पजल सॉल्व किया न्यूज पेपर में क्रॉसवर्ड सॉल्व किया एंड यू विन प्राइज लीगल दैट ऑल्सो कम अंडर आई ओ एस सो बेटिंग गैमलिंग रेस कोर्स पे जाके uh, हॉर्स पे बैट करना पैसे लगाना कहीं कहीं ये लीगल है ये चलेगा इस पर टैक्स आता है लाइक पोकर प्लेइंग इज इलीगल बट इट इज प्लेड पुना में इतने सारे लोग होते हैं जो पोकर खेलते हैं लूज मनी एंड देन दे एंड अप इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड वट एवर बट इट इज दे विन ऑल्सो बट दैट इज टोटली इलीगल पकड़े गए तो अनडिसक्लोज इनकम बोला जाएगा टैक्स का रेट बहुत ज्यादा लगेगा सेवेंटी एट परसेंट यस ना ये अलग अलग काइंड ऑफ थिंग्स है अब हमें क्या समझना है एग्रीकल्चरल इनकम इज एक्सम फ्रॉम टैक्स ये समझ में आ रहा है एवरी डे डोज यस आंसर इज यस टू योर क्वेश्चन ओके अब सुनो हमें करना क्या है मैम हम सीखने के हवाले सुन के लेना हम सीखने वाले किसी भी पर्सन का इनकम कंप्यूट करना हम सीखने वाले कैपिटल गेंस में टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम सीखने वाले बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होता है आईओ के क्या रूल्स है सैलरी के क्या रूल्स है और ये रूल्स यूज करके हम किसी भी पर्सन का टोटल इनकम निकालेंगे एंड दैट विल बी ग्रॉस टोटल इनकम सो दैट इज कॉल्ड एज जी दैट इज कॉल्ड एज जी ग्रॉस टोटल इनकम बॉस तुम्हारा इनकम कितना है तो तुम्हारा क्लाइंट नहीं बोलेगा क्लाइंट को बिजनेस कैसे करना है ये पता है बिजनेस का इनकम कैसे कैलकुलेट करना है ये तुम्हें पता है बिजनेस कैसे होता है मुझे पता है मुझे मेरा बिजनेस पता है कि आई बाय थिंग फॉर टेन रुपीज़ आई सेल इट फॉर फिफ्टीन रूपीज दैट्स माय ट्रेडिंग माय जीपी देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आई नो हाउ टू डू माय बिजनेस बट इनकम टैक्स क्या चाहता है इनकम टैक्स के क्या रूल्स है ये मैंने नहीं सीखा ये सी पढ़ता है सी बोलेगा बॉस इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिखा है तुमको ऐसा करना पड़ेगा ये एक्ट में लिखा है एक्ट ये बोलता है तो हम वो एक्ट पढ़ने आए हम एक्ट बनाने नहीं आए एक्ट 1961 में बन चुका है वी आर हियर टू लर्न द एक्ट वी आर हियर टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रिट द एक्ट वी आर हियर टू कैलकुलेट अ इनकम एंड कैलकुलेट टैक्स ऑफ अ पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट वी आर हियर टू लर्न द एक्ट वी आर नॉट हियर टू मेक अ एक्ट तो तुम्हारा काम यहाँ पर लॉ बनाना नहीं है हमारा काम है लॉ सीखना और जब मैं लॉ बोलती हूं लॉ यह शब्द यूज करती हूं लॉ इज अ वेरी वेरी वाइड टर्म लॉ इज अ वेरी वाइड टर्म आई एम गोन कम टू दैट कि एक्ट क्या है सेक्शन क्या है आई एम गो कम टू दैट लेट मी टीच दिस इनकम वाला पार्ट एंड आई कम टू दैट पार्ट ठीक है तो अब इस टोटल को क्या बोलेंगे जी यहां पे बच्चे अभी चैटिंग पे अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस बोल रहे हैं डोंट सेंड नाउ एक मोटा मोटी आइडिया आ गई अपने को और अलग अलग कुछ भी प्रकार हो सकते हैं वी लर्न इट पांच हेड्स हम सीखने वाले डिटेल में ठीक है तो आप नोटबुक खोलोगे और लिखोगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स टैक्स कॉम्प्यूटेशन इसका हेडिंग दोगे लिखते क्या जल्दी जल्दी यू वॉन्ट टू प्ले अ सॉन्ग एंड वेन एवर समथिंग बिग इन इज टू राइट वन ऑफ यू कैन क्विकली कम एंड प्ले अ सॉन्ग दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम नॉट अ प्रॉब्लम आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट चला लवकर करा सवा दस हो भी क्या है योर नोटबुक पेजेस नंबर्ड बेटा प्लीज नंबर योर नोटबुक नोनि न दोनों को रॉयल जेल ग्यारह शेड्स में मैं बन सकती हूँ ब्रॉन्स मैं बन सकती हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कास्टिंग

स्टॉप पॉज कर दो स्टॉप कर दो ना अंडरस्टैंड बेटा यह क्या बन गया आपका जी टी आई जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम अब एक बात सुन लीजिएगा सी समाइम्स मोटा भाई इज डूइंग टू बिजनेसेस मोटा भाई क्या कर रहे हैं दो बिजनेसेस कर रहे मोटा भाई हैज बिजनेस ए बिजनेस ए से लॉस हुआ चार लाख का और बिजनेस बी से मोटा भाई ने कमाया प्रॉफिट अच्छा इनकम टैक्स में ऐसा रूल है क्या यू शुड ओनली अर्न इनकम एंड ओनली मेक प्रॉफिट नो इनकम कैन बी पॉजिटिव इनकम कैन बी नेगेटिव इनकम कैन बी पॉजिटिव इनकम कैन बी नेगेटिव नाउ बिजनेस चार लाख का लॉस हुआ बिजनेस भी मोटा भाई ने प्रॉफिट किया ठीक है तो ये प्रॉफिट हुआ फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड अब मोटा भाई का टोटल पी जी बी पी क्या पी जी बी पी वॉट इज द फुल फॉर्म पी जीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना पी जी बी पी हुआ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड कैसे ये इसको बोलते हैं सेट ऑफ ये क्या है सेट ऑफ ऑफ लॉसेस तो कोई लॉस होता है तो हम सेट ऑफ कर सकते इसके रूल्स है और एक चैप्टर है और उसका नाम है सेट ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉसेस अभी क्या हो रहा है मैम हमें आज चैप्टर्स के नाम बता रही है पढ़ के नहीं बता रही है लॉजिकली ऐसे बता रही है देखो ऐसा होता है ऐसा होता है ये चैप्टर्स के नाम है मैं आपको तुम्हारा सिर्फ सिलेबस दिखा रही हूँ ठीक है तो पांच हेड्स है मतलब में ये इनके पांच चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं इसका टोटल जब लेंगे उसको जीटीआई बोलेंगे ये जो लॉस वाला फंडा है ये आप हेडलाइंस में लिख दो चलो फटाफट हेडलाइन में क्यों लिखने को बोल रही हूँ क्योंकि अभी यहां नीचे कंटिन्यू करना है इसलिए बोल रही हूँ सिर्फ हेडलाइन में लिख दो इसके लिए गाना नहीं प्ले होगा चलो जल्दी नहीं हाँ ये पूरा मतलब अभी है, है कितना चार तो शब्द है बिजनेस है बिजनेस भी और टोटल है पूरा क्या है तुझे पूरे मार्क्स चाहिए हाँ लिख जल्दी चल ये क्या लिखा है इधर चलो हो गया हेडलाइन yes, में लिख दिया yes, ये क्या हुआ मैम एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था दोनों को हमने एडजस्ट कर दिया इसको क्या बोलते सेट ऑफ मतलब कभी लॉस हो सकता है कभी प्रॉफिट प्रॉफिट को लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट किया yes, जा सकता है इसको क्या बोलते हैं सेट ऑफ एक चैप्टर है हमारा उसका नाम है सेट ऑफ ऑफ लॉसेस समझ में आ गया अब जी टी जीटिया के बाद लेस लिखो डिडक्शन्स अंडर चैप्टर सिक्स ए ये क्या है बताऊंगी मैं लिखो लिखा क्या जीटीआई और एन टी आई दो कॉन्सेप्ट है एक है जीटीआई और एक है एनटीआई जीटीआई मीन्स टोटल ऑफ इनकम बस तुम कितना कमा रहे हो ये टोटल है उसमें से गवर्नमेंट हमको देती है कुछ बेनिफिट बेटा ये डिडक्शन क्या है सम बेनिफिट हु इज गिविंग दीज बेनिफिट गवर्नमेंट गवर्नमेंट से देखो आप खुद की लाइफ पे इंश्योरेंस पे करोगे तो अच्छी बात है आपके लिए अच्छा है इंश्योरेंस होना अच्छी बात है या बुरी बात है तो होना चाहिए कि नहीं आपने लेना चाहिए कि नहीं तो आप अगर कोई अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है वो इंश्योरेंस पे करेगा तो पैसे किसको मिलेंगे फैमिली अगे मेंबर्स अगे को तो बोलो इंश्योरेंस लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है तो अच्छी बात की हम आदत लगाएंगे गवर्नमेंट बोलेगा यार तुम प्रीमियम पे करो हम तुमको टैक्स में कुछ बेनिफिट देंगे क्यों पता है गवर्नमेंट बोलते हैं डोंट वरी हम टैक्स जीटीआई पे नहीं कैलकुलेट करेंगे जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो एनटीआई पे कैलकुलेट करेंगे नेट टैक्सेबल इनकम। माने, चमेली अगर इंफोसिस में जॉब कर रही है उसका सैलरी इनकम फोर्टी लाख है चमेली ने बैंक में एफ में पैसे रख दिए हाँ ना, सेविंग किया एफडी में पैसे रख दिए फिक्स डिपॉजिट उसको इंटरेस्ट मिला एक लाख का बेटा तुम पूछते और कोई इनकम है क्या बोलते नहीं मुझे और कुछ करने का टाइम ही नहीं है बिजनेस करने का टाइम नहीं है कोई घर वर बेचा नहीं मैंने कुछ नहीं कोई असेट नहीं सेल किया मेरा सिंपल सैलरी का बिजनेस है बैंक में एफ रखा है मुझे मिल रहा है इंटरेस्ट टोटल चमेली का जी कितना बना तो अब चमेली बोलेगी क्या मैं फोर्टी वन पे टैक्स दू नो आई वेट डू यू हैव इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डू यू हैव समैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट तुमने कुछ प्रीमियम लिया है कोई पॉलिसी खरीदी है क्या इंश्योरेंस की अलग अलग ऑप्शन है इसमें तो चीजें हाँ मैंने लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी एक लिया है बिकॉज इट इज़ एडवाइजेबल या मैंने मेडिकल मेडिकल पॉलिसी लिया है मेडिक्लेम आजकल हॉस्पिटल का बिल कितना होता है तो नहीं आपके पेरेंट्स लेते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अच्छी बात होती है ये तो वो बोलती है मैंने लिया है कुछ पॉलिसी लिया है तुम तो, तुम बोलते हो ठीक है कितना लिया है एक लाख का मान के चलो उसको कुछ एटीसी मिल रहा है ये जो बेनिफिट्स है ना गवर्नमेंट बोल रही है हम आदत पैसे तुमको मिलेंगे तुम्हारी फैमिली को हेल्प होगा दूसरा तुम टैक्स भी सेव करोगे कैसे सेव करेंगे अब चमेली का इनकम काउंट किया जाएगा फोर्टी लैक्स अब चमेली को बोलेंगे तुझे टैक्स फोर्टी पे नहीं देना टैक्स फोर्टी पे देना है टैक्स सेव हुआ कि नहीं हुआ टैक्स फोर्टी वन लैक्स पे ज्यादा आएगा और फोर्टी लैक्स पे टैक्स कम आएगा तो डिडक्शन माने कुछ कौन दे रहा है? हाँ और इसका सेक्शन क्या है 80C सी टू एटीय अच्छा मैम आप सारे सेक्शन 80C से 80U अभी आज ही पढ़ाओगे नहीं ना डिडक्शन के नाम का एक चैप्टर है पहले पहले पांच चैप्टर कौन से इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेम आईओ एस फिर सेट ऑफ फिर डिडक्शन डिडक्शन आर सम क्यू क्योंकि जी टी आई में से डिडक्शन माइनस करने के बाद एन टी आई आएगा और उस एन टी आई पे हम लोग टैक्स पे करेंगे सो इट इज समेनिफिट दीज आर डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है सेक्शन एटी सी टू एटी यू तो इस पर टैक्स है टैक्स के ऊपर कभी 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 तुमको सरचार्ज देना पड़ेगा ओ माई गॉड कभी कभी कुछ डिस्काउंट मिलेगा तुम भी जब जाते हो ना ऑफर्स होते हैं कभी डिस्काउंट मिलता है कभी कुछ एडिशनल टैक्सेस लग जाते हैं तो सरचार्ज भी और एक प्रकार का टैक्स है नॉर्मल टैक्स लगता है फिर सरचार्ज लगता है फिर एक और सेस कैलकुलेट होता है तो ये अलग अलग प्रकार के टैक्सेस है तो मेरा काम क्या है ये फाइव हेड सिखाना आपको सेट ऑफ का चैप्टर सिखाना टैक्स के रेट सिखाना सरचार्ज के रूल सिखाना सेस के बारे में बताना ये सब मेरा काम है और ये सब हम सीखने वाले हैं इन दिस पीरियड ऑफ थ्री एंड हाफ मंथ्स सो एड सरचार्ज लेस रिबेट ये क्या है रूल्स है मैं सिखाऊंगी फिर आएगा आपको एक टैक्स इसको फिर से टैक्स ही बोलते हैं इसके ऊपर और एक टैक्स ऐड करते हैं विच इज कॉल्ड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ये ऐड करने के बाद फाइनली क्या आएगा टैक्स लाइबिलिटी मैम ये सब आप सिखाने वाले हो हाँ मैं आपको आपका सिलेबस बता रही हूँ क्या बता रही हूँ आपको सिलेबस बता रही हूँ चार्ज क्या है मैं सिखाऊंगी रिबेट क्या है मैं सिखाऊंगी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है सब टैक्स के रेट्स क्या है रूल्स क्या है मैं सिखाने वाली हूँ आपको ठीक है तो क्या आ गया ये आपका टैक्स लाइबिलिटी तुमको पता है कभी कभी तुम एडवांस में फीस पे करते हो एडवांस में देना पड़ता है कि नहीं समटाइम्स यू गो लाइक अ प्रॉपर्टी यू गो एंड पे सम मनी इन एडवांस वैसे गवर्नमेंट आपसे कभी कभी टैक्स भी एडवांस में ले लेती है तो ये जो टैक्स लाइबिलिटी है गवर्नमेंट बोलेगी रुक जा क्या तुमने कुछ एडवांस में दिया है तो वो हम एडजस्ट करेंगे या क्या तुमने कुछ टी डी एस टी सी एस पे किया है वो एडजस्ट करेंगे अब बैलेंस आ पेएबल हो सकता है या रिफंडेबल ये चैप्टर्स के नाम है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स ये सब क्या दे रही हूं आपको चैप्टर के नाम ठीक है वॉट इज टीडीएस टीसीएस एम टेलिंग लिखा क्या सबने हाँ लिखा पक्का हाँ लिखो पहले हाँ? लगेगा ना वो इनकम किसका इनकम कहाँ हुआ मैं फार्मर है तू मुझे फर्टिलाइज़र सेल कर रही है तो इनकम तेरा हुआ तू फार्मर नहीं है तेरा सेल हुआ तेरा इनकम हुआ तू टैक्स देगी हाँ फार्मर्स अगर फर्टिलाइजर सेल करते तो एग्री इनकम नहीं होता एग्री इनकम वो होता है येस yes, सिर्फ जमीन से कल्टिवेशन करने पे या नर्सरी इनकम आता है वो एग्री इनकम होता है लाइक मैन्योर कैन बी मैन कैन बी एन एग्री प्रोडक्ट यस बट इट हैजू बी डन फ्रॉम लैंड इन इंडिया से आना चाहिए एग्जम्ट इनकम फ्रॉम एग्री लैंड रेंट इफ यू अगेन इट इज यूज फॉर एग्री पर्पज देन इट इज एक्जम्ड अच्छा वी आर हैविंग अ चैप्टर कॉल्ड एस एग्रीकल्चरल इनकम तो ये जो सारे डाउट है ये वहां पे सॉल्व हो जाएंगे तो वी हैव अ चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम ना फर्स्ट लेट एज अंडरस्टैंड यहाँ पे आप नोट लिखो सरचार्ज इज अडिशनल टॅक्स सरचार्ज इज अडिशनल लेवी सरचार्ज इज ऍडिशनल लेवी ऑफ टॅक्स इट इज एप्लीकेबल ओनली इनकम एक्सीड फिफ्टी लॅक्स या इट इज ऍप्लिकेबल ओनली वेन इनकम एक्सीज बहुत ज्यादा कमाया तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा कम कमाया तो फिर शायद सरचार्ज नहीं लगेगा सरचार्ज इज एडिशनल लेवी ऑफ टैक्स इट इज एप्लीकेबल ओनली वेन इनकम एक्सीज 50 लैक्स ठीक है अब एग्जाम्पल एक यहां पे ये यह समझते अगर आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना सीख गए सो टैक्स लाइबिलिटी मान के चलो आपके आ रही है फिफ्टी वन थाउजेंड आपने गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स दे दिया एडवांस दे दिया गवर्नमेंट को थर्टी थाउजेंड अब क्या करोगे आपको पे करना पड़ेगा कितना पेएबल आया करेक्ट लिखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू आपने यहा एग्जाम्पल टू में एडवांस देते वक्त ज्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा गवर्नमेंट बोलेगी डोंट वरी विल गिव यू अ रिफंड कितना मिलेगा नाइन थाउजेंड राइट डाउन एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल वेट। योर क्वेश्चन इज हाजमोला क्वेश्चन इट कैन वेट हाजमोला क्वेश्चन मतलब बाद में पूछ सकते हो अभी नहीं वो आगे कवर होने वाला है ये हो गया लिख के इंडेक्स अभी आपको मैं चलो चलो जल्दी करो अभी डन अभी डन अभी डन अब सुनो माइनर माइनोर इनकम माइनर अर्न्स इनकम यहां ऊपर लिखो क्लबिंग क्या लिखोगे क्लबिंग क्लबिंग लिखो लिखो माइनॉर अर्न इनकम ए तुमने माइनॉर के बारे में क्या पढ़ा है माइनॉर इज नॉट केपेबल ऑफ एंट्रिंग अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना या माइनॉर इज नॉट केपेबल ऑफ एंट्रिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेनी ऑफ योर माइनर 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 कौन है ओके फ्यू ओके सो माइनॉर जो है इज नॉट केपेबल ऑफ एंट्रिंग अ कॉन्ट्रैक्ट तो माइनॉर अर्न सम इनकम माइनोर का इनकम इज एडेड इन in the hands of parents is added minors income is added in the hands of parents is concept ko bolte clubbing matlab kisi aur ka income apne hand mein add karna this is clubbing of income ये भी एक chapter है इस concept के ऊपर कब ऐसा होता है क्यों ऐसा होता है इसको क्या बोलते बेटा क्लबिंग ऑफ इनकम दिस इज क्लबिंग ऑफ इनकम बरोबर क्या हो गया अंकित तेरे को एग्जाम्पल तू क्या देखना है लिखा नहीं तूने ठीक है ओए ठीक है क्या चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपका इंडेक्स ठीक है अब कल से क्या करूंगी कल से आई डिवाइड द लेक्चर इन टू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कल से हम टैक्स सॉल्विंग, टैक्स कैलकुलेशन सरचार्ज के रेट ये सीखेंगे तो थोड़ा पार्ट थ्योरी करेंगे और थोड़ा पार्ट प्रैक्टिकल करेंगे राइट यस सो नाउ लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट द इंडेक्स ये अब हमारा टॉपिक का नाम क्या चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट सेकेंड चैप्टर का नाम देखो क्या है इनकम फ्रॉम सैलरी फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर पीजीबीपी फिर कैपिटल गेन्स फिर आईओएस। फिर एग्री इनकम लेकिन हमें ये इतना थोड़ा बात पता है एग्री इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स फिर भी क्यों पढ़ते हैं बिकॉज ये आधा सच है कि इट इज़ टोटली एग्जाम कुछ और बात है उसमें और कौन सा इनकम एग्जाम्ट है ये भी इम्पोर्टेंट तुमको एक चीज पता है जब कोई भी इनकम एग्जाम्ट होता है ना इट्स अ वेरी गुड वे टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इन टू वाइट अगर मेरे नाम पे एग्रीकल्चरल लैंड है और अगर मैं आपसे फीस कैश में ले वहाँ भर देती हूँ और बोलती हूँ ये तो मेरा सेल ऑफ क्रॉप है तो क्या हो जाएगा एग्जम्ट हो जाएगा फ्रॉड नहीं होगा क्या होगा एक्जम्ट हो जाएगा इफ आई हैव अ लैंड इन माई नेम एंड इट्स एन एग्री लैंड तुमको पता है कोई भी लैंड पे तुम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तुमको एक्सपोजर नहीं है तुमको नॉलेज नहीं है पता है क्या जो भी जमीन होती है ना उसको जोनिंग किया जाता है ये आर जोन है मतलब यहाँ रेसिडेंशियल बनेगा ये ए एन ए है एन ए नॉन एग्रीकल्चर है ये ए जोन है मतलब यहाँ एग्रीकल्चर होगा आप किधर भी जाके यहाँ प्रेस्टीज पॉइंट के, के बाजू में इधर लैंड लेके फार्मिंग नहीं करेगा कोई भी हाँ तो इसका कमर्शियल वैल्यू कितना है यहाँ कोई फार्मिंग करने नहीं आएगा डू यू अंडरस्टैंड दैट यस सो एवरी एरिया जो लैंड होता है ना उसमें जोनिंग किया जाता है गवर्नमेंट करती है उसको तो मेरे पास जो लैंड होनी चाहिए वो ए जोन वाली लैंड होनी चाहिए ए मजे एग्रीकल्चर सो इफ आई हैव अ लैंड विच इज एग्रीकल्चर देन आई कैन जस्ट शो फार्मिंग हुआ बिल्स इकट्ठे करेंगे मार्केट यार्ड में जाके बिल्स मिलते हैं ऐसे ही कि कुछ सेल किया मार्केट यार्ड में यहां पर इट्स अ मार्केट वेयर ऑल फार्मर्स सेल देर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इट्स अ होलसेल मार्केट सो आई कैन गो एंड से आई सोल्ड सम क्रॉप और मैं क्या करूंगी कोचिंग फीस जो भी मैंने आपसे कलेक्ट करी है आई लव अ सेपरेट बैंक अकाउंट वन फॉर आए फार्मिंग एंड वन फॉर आए कोचिंग तो कोचिंग से जो भी फीस ली है आई विल लेट मी टेक इट इन कैश कैश में लेके आई विल पुट इट इन फार्मिंग वाला बैंक अकाउंट और जो भी है मैं बोल दूंगी वो क्या है एग्जाम है आई विल नॉट पे टैक्स सो जब जब इनकम एक्जम्ट होता है तब तब चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इंटू व्हाइट और मेरे पास लास्ट ईयर क्लास की कोचिंग फीस है कैश में मैंने नहीं भरी बैंक में मैंने ऐसे ही रख दिया अब मेरे पास ब्लैक मनी जनरेट होगी क्या करूं आई हैव टू नाउ कन्वर्टेड इन टू वाइट यू वॉन्ट कन्वर्टेड इंटू व्हाइट विदाउट पेइंग टैक्सीव टू डू दिस काइंड ऑफ जुगाड़ मल्टीप्लेक्स थिएटर्स शो फुल है शो एम टी है कोई देखने नहीं जाता है मल्टीप्लेक्स थिएटर्स अचानक से इतने क्यों खुले ऑल ओवर इंडिया? टैक्स बेनिफिट दिया गया था उसको एक सेक्शन है अब वो वैलिड नहीं है बट कुछ साल पहले था कि मल्टीप्लेक्स थिएटर खोलो हंड्रेड परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द मल्टीप्लेक्स थिएटर विल बी एग्जम फ्रॉम टैक्स ओपन मल्टीप्लेक्स थिएटर इन नॉन मेट्रो सिटीज नॉन मेट्रो अचानक से पूना वेरियस सिटीज यू विल सी क्यों मल्टीप्लेक्स थिएटर इतने ओपन होने लगे क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिला ये जो मल्टीप्लेक्स थिएटर खोलने वाले लोग थे आधे से ज्यादा पार्टनरशिप में कोई पॉलिटिशियंस थे यू गो एंड चेक यू गो एंड चेक मोस्ट ऑफ द मल्टीप्लेक्स गो एंड डू अ रिसर्च एंड फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द मल्टीप्लेक्स दैट वोन एंड ओन दे बिलोंग टू पॉलिटिशियंस वॉट डिड दे डू अरे शो हाउसफुल है चार लोग बैठे उधर हंड्रेड रुपीज थ्री हंड्रेड रुपीज टिकट थ्री हंड्रेड इंटू दिटिंग कैपेसिटी इंटू फोर स्क्रीन्स, उतना कैश लेके आओ बैंक में भर दो टैक्स नहीं था दिस इज कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इंटू वाइट तुमको अभी टैक्स पढ़ के दो दिन भी नहीं हुए ज्यादा उछलना मत ज्यादा कूदना मत अभी बहुत है इसमें ठीक है हाँ सो जस्ट होल्ड ऑन यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग यू विल स्लोली एंड स्टडीली ठीक है हाँ चैप्टर के नाम सुनो पहले तो अभी चैप्टर के नाम सीख रहे अपन अभी तक तो कंटेंट भी नहीं सीखा है सुनो अब से ब्लैक और व्हाइट करने का है। रेसिडेंशियल <laughs> स्टेटस <laughs> ये जो मेरा आरम बैच के साथ एक चैप्टर हो चुका है ये रेसिडेंशियल स्टेटस माने डू यू नो

फिर इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कब रिटर्न भरना है उसकी ड्यू डेट क्या है वगैरह वगैरह रिटर्न्स आपको पता है टैक्स पेयर को दो काम करने होते हैं चला लोकर संगा सीट स्ट्रीट पैनकोट स्ट्रीट टैक्स पेयर को क्या करना होता है मैम एक पे करना पड़ता है टैक्स और दूसरा फॉर्म पे करना होता है आपने भी आई का रजिस्ट्रेशन किया तो दोनों चीजें की कि नहीं पैसे भी दिए और एक फॉर्म भी फिलअप किया तो यहाँ पे भी इनकम टैक्स से सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए वो सही है कि गलत है तुम्हारी इंफॉर्मेशन से किसी और की इंफॉर्मेशन भी निकलती है ठीक है सो दे नीड इंफॉर्मेशन अब डिडक्शन ये कौन से डिडक्शन है हा मैम वो वो डिडक्शन जो जी से माइनस करने के बाद क्या आता है एनटीआई ये देखो कितना 243 से लेके 255 तो इतने 10-12 पेजेस जो भी हम पूरा डिडक्शन इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल कि टैक्स वगैरह कैसे कैलकुलेशंस होते हैं वो सब सिखाऊंगी वो तो बेसिक में भी सिखाऊंगी फिर आता है एडवांस टैक्स कभी कभी हमें टैक्स गवर्नमेंट को एडवांस में देना पड़ता है फिर आता है टी डी फिर आता है इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम मंजे एग्जाम इनकम कौन से कौन से ऐसे इनकम है जो एग्जम्ट है आज तुमको एग्रीकल्चर पता है एग्जम्प्ट इनकम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10 और फिर एक 16115 सीरीज है टैक्स में कुछ खास रेट है स्पेशल रेट से नॉर्मल रेट से और कुछ खास स्पेशल रेट से ये हो गया क्या आपके चैप्टर्स के नाम सो दिस इज व्हाट इज आर सिलेबस फॉर इनकम टैक्स डिड यू अंडरस्टैंड दिस ओके चलो एक रिकैप करते फटाफट मैं सवाल पूछती हूँ आप फटाफट जवाब देना ठीक है आई यू रेडी ओके टेल मी द सेक्शन विच टॉक्स अबाउट एक्समट इनकम सेक्शन टेन ओके वी आर लर्निंग इनकम टैक्स एक्ट ऑफ विच योर वन एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू हाउ डज अ बिल बिकम एन एक्ट पहले बिल इज प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन साइन बाय द प्रेसिडेंट देन इट बिकम्स एन एक्ट कभी कभी जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं हु हैज द राइट टू पास दर्डिनेस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट परफेक्ट वेरी गुड अब उसके बाद दर आर हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम फाइव इफ आई कैरी आउट बिजनेस ये कहां जाएगा इफ आई अर्न इंटरेस्ट इनकम इफ आई बाय प्रॉपर्टी एंड सेल इट कैपिटल रफली इसमें और भी चीजें होंगी बट रफली यू शुड नो इंटरेस्ट है डिविडेंड इनकम है शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है ये कहां जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अच्छा इफ आई अर्न इीगल इनकम तो मुझे टैक्स नहीं पे करना मैम भले आप लीगल इनकम कमाओ या इन इनकम कमाओ आपको तो टैक्स देना पड़ेगा आपको तो टैक्स देना पड़ेगा इज दैट क्लियर श्योर यस ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स आपके पास नोट्स नहीं है ना नहीं तो थोड़ा नोट्स में लिखते लिखते अपन ये करते आरम वाले बच्चों का भी अभी, अभी आ ही जाएंगे नोट्स सारे आपको अभी <coughs> अच्छा ओके okay. अब एक मिनट हाँ इनकम टैक्स अच्छा नहीं तो आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकती हूँ इनकम टैक्स लॉ की बात करेंगे आपको हो गया क्या सी लॉ में कल लॉ के लेक्चर में वगैरह नहीं आज तो सेकेंड व्हाट इज लॉ में क्या क्या होता है act. Act. मतलब लॉ बड़ा है या एक्ट बड़ा है लॉ इज अ वाइट टर्म यस यू ऑलरेडी अगर ये लॉ है तो इसके अंदर क्या क्या आएगा लॉ के अंदर एक्ट सो एक्ट केस लॉज ऑर्डिनेंस मतलब एक्ट का छोटा भाई आ गया फिर नोटिफिकेशन सर्कुलर्स बायलॉज इज दिस ओके करेक्ट मतलब ये अगर लॉ है तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हम एक्ट पढ़ने वाले ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे रूल्स पढ़ेंगे सर्कुलर पढ़ेंगे नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह जैसे हमें अगर आई का एग्जाम देना है तो सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है आर आएगा एम आएगा ये सब आप पढ़ोगे फिर बीच बीच में कोई अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टेचुटरी <laughs> अपडेट आएगा तो ये सब जब आप पढ़ के जाओगे तब आप बोलोगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया So, just like that, I can't just read the act and say, Oh, I know entire income tax. No, I can't do that. I need to know the act, I need to know the rules, the case laws, ordinance, notifications, and circulars. All these things combined will be called as a law. So we are going to learn the law. Act is just one part of it. Of course, this act is amended every year by an annual finance act. एनुअल फाइनेंस एक्ट हर साल जो बजट आएगा वो बिल होगा बिल पास किया जाएगा और उसको बोला जाएगा एक्ट समझ में आता है क्या तुमको पक्का ओके नाउ व्हाट यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट दी एक्ट एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इन टू सेक्शंस एक्ट में क्या होगा सेक्शंस ओके इनकम टैक्स एक्ट हैजू नाइन्टी एट सेक्शंस हाउ मेनी सेक्शंस टू नाइनटी एट सेक्शंस if you all some of you have already seen my lectures, some of you have already done the lectures with me and we all know yeah jhoot hai ki 298 sections nahi hai aisa kyun ma'am but question mein aayega sawal to aap 298 hi bolna act में कितने sections hai 298 लेकिन मैं अगर आपको factually बोलने jao तो 298 नहीं है, 650 plus ही sections है। okay now how so and why so because if i tell you सेक्शन 80 आज लिखा के दिया इसको काउंट करेंगे 80 लेकिन ये है कितने एटी सी टू एटी यू अब ये कैसे मैं बताती हूं ट्रिपल सी 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 डी देर इज एटी सी सीईर इज एटी डबल डी एटी डबल डी एटी डी डी बी देर इज एटी ई देर इज एटी डबल बट ऑल दिस इज काउंटेड एज एट्टी ये सब क्या है 80. ये स्कैम है कि कितने सेक्शन है टू नाइन्टी एट दैट नॉट अ फैक्ट इफ यू काउंट ना बट टू नाइनटी एट इज द लास्ट सेक्शन नंबर टू नाइनटी एट इज ऑफकोर्स द लास्ट सेक्शन नंबर इज द लास्ट सेक्शन नंबर

सी वॉट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऊपर चले गए इसका भी प्रेस रिलीज है मेरे पास ना दिखाने के लिए तुम्हारे पास बहुत डेटा है बट स्लोली एंड वो डेटा तुमको समझना तो चाहिए ना अब सुनो पहले ये देखो यहाँ टैक्स लॉज एंड रूल्स क्या क्या बोला है आपको क्या पढ़ना है एक्ट पढ़ना है तो एक्ट पे क्लिक करो आपको रूल्स पढ़ना है सर्कुलर्स पढ़ना है नोटिफिकेशन बजट पढ़ना है या बिल्स एंड डायरेक्ट टैक्स कोड्स तो ये सब आप पढ़ोगे तो तब क्या होगा आपका एक्ट कंप्लीट लॉ कंप्लीट होगा सो यह क्या टैक्स लॉस एंड रूल दिस इज द इनकम टैक्स इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन क्या साइट है यह इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओवी डॉट इन सो दिस इज द साइट वेर आई कैन गो एंड लुक एट द एक्ट सो इफ आई गो एंड क्लिक फॉर द एक्ट ओव हियर सीज इनकम टैक्स एक्ट ये देखो सेक्शन वन सेक्शन टू किसी भी एक्ट का सेक्शन टू हमेशा क्या होता है डेफिनेशन सेक्शन वन टॉक्स अबाउट द टाइटल एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी मतलब इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू सेक्शन टू विल ऑलवेज गिव द डेफिनेशन तो अगर मैं ऐसे टर्न करके कर आखिरी वाले पेज पे जाती हूं वट इज द लास्ट सेक्शन नंबर सो द लास्ट सेक्शन 297 ऐसे लाइन से लेकिन आखिरी जो सेक्शन एक्ट में दिया गया वो कौन सा है मेनी सेक्शंस? 298. सो द एक्ट द ट्रूथ द आंसर इज नो दिस इज absolutely नॉट करेक्ट

ठीक है अब सुनो बस इतना ही नहीं पढ़ना बेटा 298 नाइन्टी सेक्शंस माने तो 298 है ही नहीं 600 के ऊपर है हर सेक्शन के नीचे सब सेक्शंस फिर कोई क्लॉज फिर क्लॉज सब क्लॉज आइटम आइटम नंबर लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्सप्लेनेशन प्रोवाइजो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर इन अ सेक्शन यू हैव लॉट्स टू रीड एंड लॉट्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सेक्शन राइट नाउ हाउ डू वी रीड एंड अंडरस्टैंड दीज सेक्शन प्लीज अंडरस्टैंड

देर इज ए डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन टू फोर्टी वन एक रिलेटिव की डेफिनेशन है एक ब्लॉक ऑफ असेट्स की डेफिनेशन है कुछ डेफिनेशन है बेसिकली या सेक्शन टू ट्वेंटी फोर टॉक्स अबाउट इनकम की डेफिनेशन वॉट इज इनकम ये डिफाइंड किया गया है सेक्शन टू इलेवन इज ब्लॉक ऑफ असेट्स ये सब क्या है जो भी है ये क्या दिए जा रहे हैं डेफिनेशन एक डेफिनेशन का दूसरी डेफिनेशन से कनेक्शन नहीं है देर इज नो कनेक्शन अगर कनेक्शन नहीं है तो इसको क्लॉज बोला जाता है दिस विल बी रेड एज सेक्शन टू क्लॉस इलेवन या सेक्शन टू क्लॉस फोर्टी वन सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी फोर क्योंकि क्लॉज वन क्लॉज टू क्लॉस थ्री हर क्लॉज अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है लेकिन अगर मैं आपको सेक्शन 35 की बात करूं, सेक्शन 35 फाइव टॉक्स अबाउट साइंटिफिक रिसर्च कि कुछ रिसर्च कर रहे हो आप किसी चीज से साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च चल रहा है उससे रिलेटेड एक सेक्शन बनाया गया है ये जो सेक्शन है ये बोलेगा 35 फाइव वन थर्टी फाइव वन ए थर्टी फाइव टू ऐसे सब, इसके जो सेक्शन है पॉइंट नंबर वन वन ए टू ये रिलेटेड है तो इसको जब आप पढ़ोगे तो आप इसको सेक्शन बोलोगे क्योंकि ये एक दूसरे से मतलब थर्टी फाइव वन और थर्टी फाइव वन ए साइंटिफिक रिसर्च के बारे में ही बात कर रहे हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है यहां पे इसलिए आप क्या वर्ड यूज करोगे सब सेक्शन क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है और जब ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते तब आप क्या यूज करते क्लॉज और रिलेटेड होंगे तो सेक्शन मतलब पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री ये एक दूसरे से रिलेटेड है क्या समझा बताओ क्या समझा ये सेक्शन टू और इलेवन हाउ डू आई नो इसको क्या पढ़ना है मैम एक डेफिनेशन दूसरे एक डेफिनेशन किसी दूसरे टॉपिक पे होगी दूसरा डेफिनेशन तीसरा डेफिनेशन किसी और टॉपिक से रिलेटेड होगा क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है no. तो बेटा क्या वर्ड यूज करेंगे क्लॉज लेकिन अगर सेक्शन 35 में मुझे चार पांच पॉइंट्स देने तो मैं एक एक वन टू थ्री फोर उसके नीचे 35 के नीचे वन टू थ्री फोर लिखूंगी ये क्या हो गए सब सेक्शन क्योंकि पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर एक दूसरे से रिलेटेड है और किससे रिलेटेड है साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है तो ये बन जाता है सब सेक्शन इज दट क्लियर श्योर इवन सेक्शन टेन सेक्शन टेन किसकी बात कर रहा है एग्जाम्स सेक्शन टेन वन बोलता है एग्री इनकम इज एक्ट अब अलग अलग सेक्शन है कोई कोई टेन फिफ्टी ने कुछ इंटरेस्ट इनकम पे एग्जाम्शन दिया है कुछ-कुछ इंटरेस्ट इनकम पे दिया है। क्या इंटरेस्ट का एग्री से कोई संबंध है क्या नहीं अलग अलग है कि नहीं तो ये क्या बन गया क्लॉज जब रिलेटेड होगा तो सेक्शन रिलेटेड नहीं होगा तो क्लॉज झेपता है yes. पक्का सेक्शन के नीचे क्या आएगा सब सेक्शन उसके बाद Pause. उसके बाद उसके बाद Pause. उसके बाद, बाद प्रोवाइज एक्सप्लेनेशन मैंने अभी तक बताया yes. नहीं है प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी तक बताया yes. नहीं है करेक्ट है ओके yes. यस okay? yes. yes. कौन है इसका क्या नाम है कौन वैलेंटाइन पे आज जाने वाला है बाहर कौन था रे हाँ नहीं जा है प्लान कैंसिल हो गया <laughs> <laughs> क्या नाम है तेरा अरे बोलना शर्मा क्यों रह तू यश ओके यश जो है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने चमेली के साथ जा रहा है किसके साथ जा रहा है तुझे नाम चेंज करके दूसरा नाम बोलना है तो बोल सकता है हाँ? मंजू कौन चंपा <laughs> क्या है तेरा नाम कुछ अलग है वो ऋषि के साथ जा रहा नहीं हम चमेली का एग्जाम्पल लेंगे तो यश कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है वैलेंटाइन डे मनाने को कहाँ जा रहा है चमेली के साथ ही इज गोइंग टू डोमिनोज उसको मिल गया वाउचर सब क्लास मतलब क्लॉस के नीचे आने वाले को सब क्लॉस के बाद भी मुझे और सब पॉइंट्स देने तो उसको सब क्लॉस बोलेंगे कौन है कौन है देवेश हाँ नहीं यहां पे भूल जाएंगे कि जमेली इन्फोसिस में काम कर रही है ठीक है हाँ तो यस जो है वो चालीस लाख भी नहीं कमा रही है <laughs> तो गोइंग ऑन वैलेंटाइन्स डे विथली टू डोमिनोज यू गॉट वाउचर बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़ कोर्स पिज़्ज़ा ऑफ़ कोर्स व्हाट इज रॉन्ग विथ यू ऑल तुम लोग हमेशा से ऐसे हो क्या क्या आज वैलेंटाइंस डे स्पेशल है अरे रे शिवराज गेम खेल रहे हैं। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से देखो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर आया वो बोलता है बेस्ट है वेलेंटाइंस डे कम से कम बजट में हो गया तो ये जो वाउचर था ही गॉट बाय वन लेके गया वो चमेली को उधर। तो वहां पे ही ऑर्डर ही वेंट देर काउंटर पे पहले बोला कि बाबा कंफर्म कर लेते हैं ये वाउचर चलने वाला है या नहीं है नहीं तो ऑर्डर आ जाएगा और पैसे तो है नहीं फिर उन्होंने बोला दिस ऑफर इज नॉट वैलिड फॉर टूडे वहां पे एक एस्ट्रिक मार्क था और वहां पे था ऑफर वैलिड ऑन वीक डेज एक्सेप्ट एक्सेप्ट वैलेंटाइंस डे एक्सेप्ट वीकेंड ऐसे लिखा हुआ है ठीक है अब ही हैड टू हर नो अदर चॉइस बिकॉज जेब में पैसे तो थे ही नहीं तो यहां पर अभी क्या करेंगे तो ही हैड टू टेल समी सॉरी वी कॉन्ट सेलिब्रेटेड टूडे कैन वी सेलिब्रेट अ वेलेंटाइंस डे टूमोरोन शीज इज देन यू बेटर सेलिब्रेटेड विथ समबड़ी एल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना लेटर्स अंडरस्टैंड ये जो था बाय वन गेट वन फ्री एंड ऑफर वैलिड ओनली नॉट वैलिड ऑन द वैलेंटाइंस डे दिस इज अ प्रोवाइजो ऑफ अ सेक्शन वो डोमिनोज वाले के साथ झगड़ा करके आए गए ये क्या है बाय वन गेट वन फ्री बाय वन गेट वन फ्री और तुम ऑफर वैलिड नहीं है बोले तुम आप पढ़ो ना नीचे कंडीशन अप्लाय उस सेक्शन के नीचे एक एक्सेप्शन है प्रोवाइजो दिया हुआ है वो भी पढ़ो सिर्फ एक आधी बात यू नो सुन के लड़ने मत आ जाना ने बोल दिया फोर्टी मार्क्स लेके आओ पास हो गए जाओ लड़ने को आई से आई के साथ टेक फोर्टीन ऑल सब्जेक्ट एंड गो यू से रीड ना बाबा देर इज वन मोर कंडीशन इट सेज यू मस्ट गेट अ एग्रीगेट ऑफ टू हंड्रेड तो बॉस ये जो है ये ऑफर यहाँ पे प्रोवाइडर जो बोल रहा है कि बेटा ये जो ऑफर है हाँ ये रूल है बाय वन गेट वन फ्री का वाउचर पे मिलेगा लेकिन उसका एक्सेप्शन ये है कि ये ऑफर वैलेंटाइन डे पे वैलिड नहीं है ठीक है अब यश तो बहुत दुखी हो गया चमेली नाराज हो गई है ही सेड आई हैव टू नाउ डू समथिंग मेकअप फॉर इट एंड समथिंग लाइक दैट जो भी है कैसे तो उसने मना लिया उसको एंड ही गोज ऑन आज क्या है ही गोज ऑन फिफ्टीन फेब टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे और अ फ्रेंडशिप डे और समथिंग लाइक दैट नाउ नाउ दैट वैलेंटाइन इज ओवर नाउ लिसन ही ऑर्डर्ड पिज्जा और टू बिकॉज बाय वन गेट वन फ्री तो वन वाज़ फॉर फोर हंड्रेड एंड अदर वाज़ फॉर फाइव फिफ्टी अब व्हाट विल बी हिज बिल चार सो वो तो बिचारा चार रुपए लेके गया अभी तो अब क्या बिल कितना आएगा चार या साढ़े पांच बिकॉज उसके वाउचर पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है क्या एक्सप्लेनेशन दिया है लोअर प्राइज विल बी फ्री वहां पर एक एक्सप्लेनेशन दिया है एक्सप्लेनेशन ना तो मैं यहां वैलेंटाइन डे समझा रही हूं ना डोमिनो समझा रही हूं मैं यहां समझा रही हूं प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन मुद्दा प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन का है प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन मतलब ज्यादा जानकारी देना ऑफर हमारे रूल के बदल तो जो हमारा रूल है वो बाय वन गेट वन फ्री है बट वी आर गिविंग यू एक्सप्लेनेशन दैट द लोअर प्राइस विल बी फ्री सो so, द लोअर प्राइस वाला जो पिज्जा है वो क्या होगा फ्री होगा तो बॉस हमने बोल दिया कि 400 और साढ़े पांच का जब आप बिलिंग करोगे आपको ये फ्री में मिलेगा और यश को कितने पैसे देने पड़ेंगे है क्या तेरे पास चार सौ रुपए लेके गया था वो डेढ़ सौ चमेली से उधर ही ले ली बोलते तू ऑफर पिज्जा खिलाने भी लेके आ गया चमेली से हाँ <laughs> तो सुनना व्हाट इज एक्सप्लेनेशन इट गिव्स यू मोर इंफॉर्मेशन इट गिव्स यू क्लैरिफिकेशन अबाउट अ प्रोविजन एंड वॉट इज प्रोवाइजो इट गिव्स यू एक्सेप्शन टू दैट रूल एवरी रूल एवरी सेक्शन इन इनकम टैक्स इज हैव सम एक्सेप्शन तो ये जो है सेक्शन सेक्शन के नीचे सब सेक्शन उसके नीचे क्लॉस उसके बाद उसके बाद प्रोवाइजो माने एक्सेप्शन कि भाई ये रूल है लेकिन ये रूल वैलेंटाइंस डे को एप्लीकेबल नहीं है ये ऑफर वैलेंटाइंस डे पे नहीं है ऑफर है बट आज वैलिड नहीं है मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है एक्सप्लेनेशन मतलब कौन सा वाला पिज्जा फ्री मिलेगा ये क्लैरिफिकेशन है एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन चला कितने सेक्शन टैक्स में टू नीचे एट सेक्शन के नीचे लिए। Clause, लिए। 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 लिए याद रखना यश और चमेली का एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल यश और चमेली का और उसके आगे क्या हुआ यश और चमेली का ये कहानी उससे बाद में सुन के लेना अभी के लिए हमारा लेक्चर हुआ है खत्म यस yes, सो so, एक मिनट पहले आज ओए ओए सिधा हूएवर स्टार्ट्स पैकिंग इज द लास्ट पर्सन टू लीव दिस क्लास नोबडी इज पैकिंग टिल आई डोंट से थैंक यू एंड कीप माय माइक नोबडी पैक्स बैड मैनर्स ठीक है हाँ पहले तुमको डाउट है क्या पक्का yes, कोई डाउट मैम डाउट व्हाट कुछ नहीं हमको तो अभी जाना है ब्रेक चाहिए ऐसा ही सीन है ना yes. चलो जाओ फिर हम कब मिलेंगे कल का लेक्चर कितने बजे है Tomorrow's lecture at? Eight. I will see you tomorrow. Eight. Bye bye. I will do some tax calculation and practical examples. Kal. Theek hai? Okay. Bye. See you tomorrow. Live streaming students, bye bye. Do you have any doubt? Sarthak, there is no homework for today because it's Valentine's Day. They <laughs> <laughs> yes, wish are not interrelated. नहीं नोट नहीं करना है ए स्ट्रीमिंग ऑन थे वहां लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स डू यू हैव डाउट्स ए यू ऑल कैन लीव फेस टू फेस कैन लीव आई एम जस्ट आस्किंग इफ लाइव स्ट्रीमिंग हैज एनी डाउट्स यू गाइस कैन लीव यस पूजा एक्ट और सेक्शन में क्या बताना है कल कंटिन्यू करूंगी ये नेहा क्रिप्टो के बारे में कल डिस्कस करेंगे और भूमि क्लॉज के नीचे जो होता है उसको सब क्लॉज बोलते हैं भूमि क्लॉज के नीचे अगर कुछ और पॉइंट्स ऐड करने तो आई कॉल इट ए सब क्लॉज बायलॉज के बारे में कल बताती हूं ओ सॉफ्ट कॉपी कल लिंक पे शेयर कर दूंगी आई शेयर इट बुक्स को वन वीक मोर वन वीक मोर फॉर द बुक्स वन वीक मोर फॉर द बुक्स हां स्नेहा इीगल पे टैक्स पे करोगे तो लीगल हो जाएगा टीडीएस टीसीएस सिंपल लैंग्वेज में कल बताऊंगी हाँ प्रोवाइज और एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आते हैं जीडी स्टूडेंट्स टेस्ट दे पाएंगे उसका डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे ओके सो थैंक यू इफ एनी क्वेरीज आर लेफ्ट कीप देम पेंडिंग फॉर टुमारो सेशन थैंक यू सो मच आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय हाँ ठीक है ठीक है ओके यस। बाय हाँ